हेलो। हेलो 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 हेलो। मुझे बताइए, मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर है सबको? एवरीबॉडी, मुझे बताइए मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर है सबको? चलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। ओके, आई गेस ऑडियो वीडियो सबको क्लियर होगा। सो वी आर बैक। कल का लेक्चर पावर कट की वजह से हम ले नहीं पाए, बट एटलीस्ट हमने रिवीजन कर लिया, क्योंकि दैट वुड बी बेटर। तो एक रिवीजन भी हो गया ओवरऑल, सो आपको काम में भी आएगा। वो लेक्चर वैसे ही रखा है मैंने, उसको डिलीट भी नहीं किया। सो दिस विल हेल्प यू अ लॉट। ठीक है, आ जाइए। नाउ गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग शिवम, मुक्ता, करण, हर्षिता, शिवम, जस्मिन, अंशुल, शुभम, थैंक यू सो मच गाइस। गुड मॉर्निंग मीत, तेजस, खुल जा सिम सिम। अबे खुलने तक के तो तब तक मैं पीपीटी खोल लूं। एक बहुत बड़ी दुविधा में फंसा हूं मैं। पहले तो मुझे उस सवाल का जवाब दीजिए। देखो, नियरली 15 लेक्चर्स तो हम यूट्यूब के ऊपर लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं, और जैसे आप सबको पता है कि पूरे तो लाइव स्ट्रीम करना पॉसिबल है नहीं। मेरा एक सवाल है कि मैं आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स दू इन 15 लेक्चर्स के बाद? मुझे कमेंट्स के अंदर जवाब देना, मैं आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स दू इन 15 लेक्चर्स के बाद, या इसको हम किसी स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर से स्ट्रीम करें। पर इसके लिए भी मैं बोलूं कि वो एज गुड एज यूट्यूब लाइव लेक्चर ही रहेगा, जिसके अंदर आप जैसे यहां कमेंट कर सकते हो वैसे वहां पे भी कमेंट कर पाओगे, एंड इंटरेक्टिव टाइप ऑफ लेक्चर्स होंगे जो आपको काफी हेल्प कर सकते हैं। पर इसके लिए आपको एक चीज स्टेबल लगेगी खुद के घर के अंदर, वो है वाईफाई। मोबाइल डाटा के ऊपर ये लेक्चर्स बहुत टफ लेवल पे चलेंगे। अगर आपके घर पे वाईफाई होगा तो हम लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं। उन्हीं लेक्चर्स को फिर मैं रिकॉर्डेड दे सकता हूँ जिनके जिनके लिए वाईफाई नहीं है, मतलब जिनके यहाँ पे वाईफाई है उनके लिए लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं हम लेक्चर आफ्टर 15 लेक्चर थ्रू एनक्रिप्टेड सॉफ्टवेयर। अगर आप एडमिशन लेते हो तो आपको सॉफ्टवेयर के सब डिटेल और इंस्टॉलेशन डिटेल मिल जाएंगे। पर लाइव स्ट्रीम का एडवांटेज है कि जिस तरीके से हमारा इंटरेक्शन हो रहा है उसी तरीके से हम कर पाएंगे। फिर वही लेक्चर मैं रिकॉर्ड करके दे दूंगा, जो वाईफाई के थ्रू देख नहीं सकते उनको फिर पेन ड्राइव, गूगल ड्राइव मोड के अंदर वो अवेलेबल होंगे। अगर आप रेडी हो लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ लेक्चर्स के लिए, तो मुझे बताओ कितने लोग रेडी है जो नियरली इसके बाद में लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ लेक्चर्स देखना चाहेंगे? तो एटलीस्ट अगर ये 20, 25, 50 लोग भी हो जाते हैं तो काफी अच्छा एक बंच हो जाएगा, तो हेल्प भी होगा। रिकॉर्डेड तो होने ही वाले हैं प्रद्युम्न बेटा, तो रिकॉर्डेड तो मिलने ही वाले हैं, बट सवाल यह है कि फिर वो लाइव स्ट्रीम करते हुए रिकॉर्ड करूं या कैसा? तो जो लाइव स्ट्रीम करूंगा वो भी रिकॉर्डेड लेक्चर्स में आपको दूंगा, तो उसके अंदर बहुत सारी चीजें आपको मिलेगी। ठीक है, फेस टू फेस अभी एग्जैक्टली वी डोंट नो कि कब होगा करके, वी आर वर्किंग ऑन द सेम। और अगर फेस टू फेस होता है तो हम जल्दी ही उसको शुरू करेंगे, बट वी आर नॉट श्योर। अगर हमने फेस टू फेस शुरू कर दिया, बाद में कुछ कोविड गाइडलाइंस आ गई, वेव 2 की बातें चल रही है, तो वापस से क्लास बंद करना पड़ेगा और आप आपके घर पे भी नहीं जा पाओगे। ये बहुत बड़ा टेंशन है, इसलिए हम फिलहाल रिस्क नहीं ले रहे हैं सबके हेल्थ को मद्देनजर रखते हुए। चलो बहुत बढ़िया। सो टेंटेटिवली फिर मैं एक प्लान करता हूँ रिगार्डिंग कि इसके बाद के लेक्चर हम लाइव स्ट्रीम करें, और डेली एक लेक्चर अपलोड होता रहेगा, तो डेली आप एक लेक्चर देख पाओगे ये 15 लेक्चर्स होने के बाद। ठीक है, मुझे कंफर्मेशन के लिए 1-2 दिन का समय दीजिए, मैं इन्हीं लेक्चर्स के अंदर आपको कंफर्म भी करूंगा। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना। अब मैं आगे बढ़ता हूं बच्चों, लेट्स स्टार्ट। हमने अभी तक जो जो देखा था उसमें से लास्ट लेक्चर, कल तो हम मैंने एक रिविजन करवा के दे दिया, अब उसमें से जो लास्ट लेक्चर है उसका हम एक बार रिविजन कर लेते हैं कि हमने क्या 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 देखा था। तो इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि हम कौन से लेवल पे जा रहे हैं।
सबसे पहले तो हम थोड़ा सा चैप्टर लिस्ट को याद कर लेते हैं, ठीक है। चैप्टर लिस्ट थोड़ा सा उल्टा मैं याद करवाऊंगा, या फिर आज एक ट्राई करते हैं, चैप्टर लिस्ट आज हम एट रैंडम याद करते हैं। मतलब मैंने आपको एक तो नाम बोलना है, उसके ऊपर से आप मुझे सेक्शंस बताइए, या फिर मैंने आपको सेक्शंस बोलने हैं, उसके ऊपर से आपने मुझे चैप्टर का नाम बोलना है, और या एट रैंडम कोई भी चैप्टर मैं आपको पूछ सकता हूं, ठीक है। ये इन लाइन वाला एक ही चैप्टर रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। सो आ जाइए, मैं एट रैंडम कोई भी चैप्टर पूछूंगा। एवरीबडी इज रेडी फॉर दिस? हाउ इज द जोश? सब ठंडे पड़ गए क्या? हाउ इज द जोश? सो मैं आपको नाम पूछूंगा या नंबर पूछूंगा, इसमें से आपने बोलना है कि भैया आपको ये चैप्टर समझ में, मतलब ये चैप्टर याद है या नहीं है, ये चीज आपने मेरे को बोलनी है। आर यू रेडी? चलो बहुत बढ़िया, स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेंट्रेट करना, 60 लोग ऑनलाइन है, मतलब एटलीस्ट 70-80 लोग तो डेडिकेटेडली लेक्चर अपने देख रहे हैं। चलो बहुत बढ़िया, आई एम वेरी हैप्पी फॉर दिस। चलो शुरू करते हैं, कॉन्सेंट्रेट करना। सो एट रैंडम शुरू करते हैं। टेल मी मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन का सेक्शन कहां स्टार्टिंग है और कहां एंडिंग है, फटाफट बोलो। मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन कहां स्टार्टिंग है और कहां एंडिंग है, फटाफट मुझे इसका आंसर चाहिए बच्चों, वेरी फास्ट। मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन कहां स्टार्टिंग कहां एंडिंग, कमेंट्स के अंदर बताइए। चलो बहुत बढ़िया, सेक्शन नंबर 88 से लेके 122 मुझे बताओ। अकाउंट्स ऑफ द कंपनी, अकाउंट्स ऑफ द कंपनी कहां से कहां तक है, फटाफट बताइए। बहुत बढ़िया, सब जन आंसर दे रहे हैं, आई एम वेरी हैप्पी। अकाउंट्स ऑफ द कंपनी कहां से कहां तक है, सब जन बताएंगे फटाफट। अकाउंट्स ऑफ कंपनी सेक्शन नंबर 128 से लेके सेक्शन नंबर 138, बहुत ही बढ़िया, जो लोग कमेंट कर रहे हैं बहुत ही जबरदस्त। उसके बाद में मुझे एक बात बताइए, प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, प्रोस्पेक्टस अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स कहां से कहां तक है बच्चों, बोलो फटाफट मुझे आंसर चाहिए। प्रोस्पेक्टस अलॉटमेंट ऑफ शेयर सेक्शन नंबर 20, बहुत ही बढ़िया, 23 से लेके सेक्शन नंबर 42, बहुत ही शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद जितने लोग सही आंसर दे रहे हैं, बहुत जबरदस्त। उसके बाद में नेक्स्ट मुझे सेक्शन बताइए, चार्जेस ऑन असेट का, चार्जेस ऑन असेट कहां से कहां तक बताइए, बताइए 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 बताइए। 43 से 72 नहीं प्रिंकल, ठीक है, 23 से 42 प्रोस्पेक्टस। अच्छा चार्जेस ऑन असेट, यस बहुत बढ़िया, 77 से लेके 87, 86 नहीं 87, सो क्षितिजा इट इज 87, 77 से लेके 87 चार्जेस ऑन साइड। अब मुझे सेक्शन नंबर से नाम बताइए, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको पूछूं तो 73 से लेके 76 क्या है, फटाफट बताइए मुझे। चलो बहुत बढ़िया, जितने लोग आंसर दे रहे हैं, 73 से लेके 76 व्हाट इज इट अबाउट, बोलो 73 से लेके 76 दिस चैप्टर इज अबाउट व्हाट एग्जैक्टली, डिपॉजिट्स, डिपॉजिट के बारे में चैप्टर है, बहुत बढ़िया जितने लोग आंसर दे रहे हैं। उसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर अगर मैं आपसे पूछूं तो मुझे ऑडिट ऑफ अकाउंट्स के लिए बताइए, ऑडिट ऑफ अकाउंट्स का स्टार्टिंग एंडिंग सेक्शन, ऑडिट ऑफ अकाउंट्स दैट इज 139 से लेके 148, बहुत ही बढ़िया, जो लोग कमेंट्स के अंदर सही बता रहे हैं, एक नंबर, जबरदस्त, जिंदाबाद। फिर मुझे बताइए 43 से लेके 72 ये कौन सा सेक्शन नंबर है, कौन सा चैप्टर है ये, बहुत ही शानदार, सब लोग सही जवाब दे रहे हैं नियरली एवरीबडी, बहुत बढ़िया। 43 से लेके 72 कौन सा चैप्टर है, तो ऑब्वियसली दैट इज शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स, बहुत ही बढ़िया, शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स आपका चैप्टर है। नेक्स्ट वाला मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि मुझे बताओ सेक्शन नंबर 3 से लेके सेक्शन नंबर 22, ये तो आपको याद हो जाना चाहिए, दैट इज फॉर्मेशन एंड इनकॉर्पोरेशन वाला चैप्टर है, तो नियरली हमने सभी चैप्टर यहां पे याद कर लिए हैं। चार और चार आठ हुए, कौन से दो मिस हुए जिंदगी के अंदर चैप्टर्स, प्रोस्पेक्टस, शेयर कैपिटल हो गया, डिपॉजिट्स हो गया, चार्जेस हो गया, मैनेजमेंट, डिविडेंड, डिविडेंड रहे, डिविडेंड भी होगा, नहीं डिविडेंड रह गया। डिविडेंड के लिए कौन सा चैप्टर है बच्चों, 123 से लेके 127, और उसके बाद में प्रिलिमिनरी, प्रिलिमिनरी सेक्शन नंबर 1 से लेके सेक्शन नंबर 22। चलो चैप्टर्स तो याद हो गए, चैप्टर याद होने के बाद में हमने चार चीजें देखी थी, कंपनीज एक्ट में घुसने के पहले चार चीजें पढ़नी चाहिए, फटाफट कमेंट में बताइए मुझे कौन सी चार चीजें, कौन सी चार चीजें। चलो बहुत ही बढ़िया, सब जन ने सही बोल रहे हैं, हिस्ट्री, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, अथॉरिटी स्ट्रक्चर, चैप्टर स्ट्रक्चर, चैप्टर स्ट्रक्चर ये हो गया। अथॉरिटी स्ट्रक्चर एक बार बताइए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स उसके अंदर कितनी चीजें, दो, एक एडमिनिस्ट्रेटिव, एक जुडिशियल। एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर दो, एक्टिव कंपनी, डोरमेंट कंपनी, लिक्विडेटेड कंपनी। एक्टिव कंपनी के अंदर कौन कौन है बोलो, एक्टिव कंपनी के अंदर कौन है, दैट इज रीजनल डायरेक्टर जो कितने हैं 7, और आरओसी कितने हैं 22, और डोरमेंट कंपनी के अंदर लिक्विडेटर जिसका कोई फिक्स नंबर नहीं है। जुडिशियल अथॉरिटीज में कौन है, एनसीएलटी जो डिस्प्यूट रिसॉल्व करते हैं, एनसीएलटी, नैकलेट, और कौन बोले एक बार जो से सुप्रीम कोर्ट। ये हमने अथॉरिटी स्ट्रक्चर देखा था। फिर मैंने आपको हिस्ट्री बताया था, अगर आपको याद होगा तो कंपनीज एक्ट सबसे पहले कब आया था, 1866 में, फिर 1882 में, 1913 में, 1956 में, और 2013 में, कंसेप्ट समझ में आया। ये होने के बाद में हमने अगली चीज जो देखी थी वो थी
अपने इसका कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी एंट्री नंबर 43 एंट्री नंबर 44 टू यूनियन लिस्ट के अंदर हमने इसको कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड किया था। एक चीज होने के बाद में हम आगे बढ़े थे, हमने शुरू किया था कंपनी के डेफिनेशन के साथ में। सेक्शन वन हमने देखा था, शॉर्ट टाइटल एक्सटेंडेड कमेंसमेंट ये हमारा हो चुका था। फिर हमने कंपनी के डेफिनेशन के साथ शुरू किया था, वही डेफिनेशन पता नहीं जी कौन सा नशा करता है, कौन से सेक्शन के अंदर डेफिनेशन है, 2 सबसेक्शन नंबर 20 में, और उसके अंदर बोला है कंपनी मीन्स अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस लॉ और एनी ऑफ द प्रीवियस कंपनी लॉ। कुछ याद है सबको, दिस लॉ या कोई भी प्रीवियस कंपनी लॉ के अंदर हम कंपनी रजिस्टर करते हैं, ये चीज को भी हमने बड़े अच्छे तरीके से देखा था। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना। कंपनी प्रीवियस कंपनी लॉ का डेफिनेशन 2 सबसेक्शन 67 में देखा था, और फिर हमने देखा था कि भैया बाबा मार्शल, बाबा जेम्स और बाबा लिंडले ने हमको कंपनी के बहुत सारे कैरेक्टर्स बोले थे। फिर मैंने आपको कैरेक्टर और फीचर में डिफरेंस बोला था। कैरेक्टरिस्टिक्स इज आइडियली एक्सपेक्टेड सिचुएशन अबाउट एनी थिंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर इज एक्चुअली वॉट द थिंग इज अबाउट, इसे हम क्या कहते हैं बोले एक बार जो से फीचर। ये चीज होने के बाद में हम आगे बढ़े थे, हमने कंपनी के कैरेक्टर देखे थे, कितने कैरेक्टर है 9। कल के रिविजन के अंदर मैंने आप सबको एक चीज बोली थी, 9 कैरेक्टर भी सेक्शन नंबर कौन सा है जो कल के रिविजन में प्रेजेंट है, मतलब मैंने लेक्चर तो नहीं लिया था बट एक 20 मिनट का रिविजन लिया था, कौन कौन बोल सकता है इसका सेक्शन नंबर, यस सेक्शन 9 कैरेक्टर भी 9, सेक्शन 9 कैरेक्टर भी 9, 9 सेक्शन है 9 कैरेक्टर है 9, क्लियर है सर? ये चीज को आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना, 9 कैरेक्टर एक बार एक्शन के साथ में सब एक्शन करेंगे, या तो फिर तुम्हारा याद रखना जिंदगी के अंदर तुम्हारा एक्स तुम्हारे वाई के साथ भाग जाएगा। सो इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन एक्स वाई के साथ, ऐसी बातें नहीं करते, तुम्हारा तो एक्स वाई होगा भी नहीं, तुमको तो क्या पहला ही नहीं मिला होगा एक्स और वाई का। सो इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन सेपरेट लीगल एंटिटी परपेचुअल सक्सेशन लिमिटेड लाइबिलिटी कॉमन सील ट्रांसफर ऑफ शेयर सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट सेपरेट प्रॉपर्टी, 9 कैरेक्टर्स हमारे हुए थे। आई होप सो कि सबको ये 9 कैरेक्टर याद होंगे। 2 कैरेक्टर हमने पढ़ लिए थे इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, आज हम जिस कैरेक्टर के ऊपर जाने वाले हैं वो है सेपरेट लीगल एंटिटी। और आज मैं आपको ऐसी चीज के साथ में इंट्रोड्यूस करूंगा जो बहुत जरूरी है, जो आपने फाउंडेशन में नहीं देखी होगी, हो सकता है यहां तक का जो कंटेंट है वो आपने कई बार फाउंडेशन में देखा होगा, कहीं से पढ़ा होगा, पर इसके बाद का कंटेंट आपका फाउंडेशन वाला नहीं है, ये प्योरली सीए इंटर वाला एरिया शुरू हो जाता है। मैं एक चीज आपको अभी बोल दूं, इसके पहले बोल दूं कि आप इस चीज को कुछ और अज्यूम करें, सीए इंटर को कुछ किसी और लेवल पे आप लेके जाए, उसके पहले मैं आपको चीज बोल दूं, ये मेरी जिम्मेदारी बनती है, तो उसको मैं पहले बोलना चाहूंगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं। मुझे पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर चाहिए बच्चों, बहुत अच्छे तरीके से। सबसे पहली चीज मैं आप सबको ये बोल दूं, बड़े अच्छे से ध्यान देना, दैट इज हमारे जो लेवल डिसाइड होते हैं फाउंडेशन इंटरमीडिएट फाइनल, आपने किसी सीनियर से इसको सुना होगा नहीं सुना होगा आई डोंट नो, बट मैं आपको बोलना चाहूंगा कि हमारा जो फाउंडेशन लेवल होता है, हमारा सीए फाउंडेशन का जो लेवल होता है उसको नॉर्मली हम 1% बुला सकते हैं, मतलब मेहनत वाइज हम उसको 1% बुला सकते हैं सिर्फ। हमारा सीए इंटर का जो लेवल होता है, एक बार आपने याद रखना, ये 10% है, ये 10% है, ये चीज याद रखना। फाउंडेशन 1% है तो सीए इंटर उसके 10 times टफर है, समय उतना ही है, टेक्निक्स चेंज करनी पड़ेगी, मेहनत का तरीका चेंज करना पड़ेगा, और ऑब्वियसली फाउंडेशन से कई ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और ये 10 times है भी। अगर आप फाउंडेशन के मॉड्यूल जमा करके देख लो और सीए इंटर के सब मॉड्यूल जमा करके देख लो, 8 subject के बोलने के लिए 8 है, मतलब दिखाने के 8 है, खाने के 10 है, ऐसा बोल सकते हो आप कि 8 ही subject दिखाते हैं पर 10 है, वो डीटी आईडीटी सेपरेट हो जाता है, ईआईएसएसएम सेपरेट हो जाता है, एफएम इको सेपरेट हो जाता है, तो दिखाने के 8 है और खाने के 11 है, 11 subject आपको पढ़ने हैं। तो सीधी बात है फाउंडेशन में आप जुम्मा जुम्मा कुछ 4, 5, 6 subject पढ़े होंगे छोटे छोटे से, तो ये 10% है, 10 times आपको मेहनत लगेगा। कितने टाइम्स आपको मेहनत लगेगा? 10 times। और इससे भी भयानक है बच्चों फाइनल, फाइनल है 100%। फाइनल कितना परसेंट है? 100%। मतलब फाउंडेशन में वो आपको पढ़ाई की आदत लगाते हैं, इंटर में आपको ये सिखाते हैं कि इतना समंदर जैसा सिलेबस है कर मैनेज कैसे कर सकता है, ये वो इंटर में आपको सिखाते हैं, और फाइनल में वो आपको बताते हैं समंदर जितना तो सिलेबस है पर इसमें भी हम तुमको ट्रिक क्वेश्चन पूछेंगे, केस स्टडी पूछेंगे। फाउंडेशन इंटर फाइनल के ऊपर एक और बहुत बड़ा डिफरेंस ये आता है, ये मैं आपको अभी बोल दूं क्योंकि हमको उस एंगल से इन सब चीजों को देखना है, आज से जो मैं कंटेंट लूंगा उस एंगल से हमको देखना है। पहली बात तो फाउंडेशन के अंदर अगर आप कोई क्वेश्चंस देखो, क्वेश्चन आंसर्स,
तो आपको नॉर्मली फाउंडेशन में डायरेक्ट सवाल आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन किसी चीज के ऊपर, डायरेक्ट क्वेश्चन, या जुम्मा जुम्मा दो तीन केस स्टडीज आ जाएंगे पेपर में जो लॉ में आपने फेस किए होंगे। मैं एटलीस्ट लॉ की बात कर रहा हूं, अबाउट अदर सब्जेक्ट्स आई एम नॉट राइट पर्सन टू गाइड यू। सो डायरेक्ट एक्सेस, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, और सीए इंटर पे डायरेक्ट क्वेश्चन प्लस केस स्टडीज का बड़ा मिक्स आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन एंड केस स्टडीज का बड़ा मिक्सचर आता है, उसमें से केस स्टडीज ज्यादा रहते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चंस कम रहते हैं। और सीए फाइनल लेवल पे तो सिर्फ केस स्टडीज ही रहते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन अगर आपको आ गया तो आपने ये याद रखना कि भगवान को आपने जो नारियल फोड़ा था, भगवान उससे खुश हो गए और भगवान ने डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया। एक्सपेक्ट करना ही नहीं कि आपको कोई डायरेक्ट क्वेश्चन सीए फाइनल पे आएगा। तो फाउंडेशन पे नॉर्मली आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आते थे और बहुत रेयरली आपको आता था कौन सा, केस स्टडी। ठीक है, सीए इंटर लेवल पे डायरेक्ट क्वेश्चन और केस स्टडी, और सीए फाइनल लेवल पे आपको सिर्फ केस स्टडीज आएंगे बच्चों, सिर्फ केस स्टडीज, पागल जैसे केस स्टडीज आएंगे। लेकिन उसकी आदत हमको यहीं से लगानी है। दूसरी बात, फाउंडेशन और इंटर और फाइनल में बच्चों से गलती क्या हो जाती है, मिस्टेक, या इसको हम कह सकते हैं टाइप ऑफ स्टडी आपने कौन सा रखना चाहिए, टाइप ऑफ स्टडी, क्योंकि मैं अगले सभी लेक्चर उस टाइप ऑफ स्टडी के हिसाब से ही लेना चाहूंगा, उस टाइप ऑफ स्टडी से ही मैं लेने वाला हूं। ये चीज को आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना। सो फाउंडेशन इंटर, ये मेरा लैपटॉप हो गया है बेवड़ा, इसको समझ में नहीं आ रहा है क्या करते रहता है जिंदगी के अंदर, बेवड़ा लैपटॉप। चाइना कोई नहीं बोलेगा, नालायक लोगों, कोई चाइना नहीं बोलेगा, पैसे लेके खरीदा है पूरा का पूरा। ठीक है, लिनोवो कंपनी का लैपटॉप लिया है मैंने, पूरे पैसे देके खरीदा है। ठीक है, सो टाइप ऑफ स्टडी आपने कैसा करना चाहिए ये मैं यहां पर आपको बोलना चाहूंगा, तो मुझे बोर्ड के ऊपर बड़े अच्छे तरीके से ध्यान देना। फाउंडेशन पे आपको टाइप ऑफ स्टडी था एक तो रीडिंग, मतलब मैक्सिमम लॉ के लिए मैं बोलूंगा तो आप सिर्फ रीड किए तो भी आप पास हो जाओगे, ऐसा फाउंडेशन था कि रीड किया भाई जितना याद रहा लिख के आओ पास हो जाओगे। इंटर पे वैसा नहीं होगा, इंटर पे आपको बकायदा राइटिंग प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और ये आपको बहुत जरूरी है क्योंकि फाउंडेशन में आपने राइटिंग प्रैक्टिस किया ही नहीं होगा। तो इंटर पे भैया हम पढ़ते कम है लिखते ज्यादा है। आप मेरे किसी भी एग्जिस्टिंग स्टूडेंट से पूछ लीजिए, 200 पेजेस की 3 बुक जब तक नहीं भरती मेरे दिल को चैन नहीं मिलता, बैच खत्म होने के बाद में मैं चैन की सांस नहीं लेता, मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलती। तो हमको लिखना है, पागल जैसे लिखना है, आपका हाथ टूटे तक के लिखना, इस चीज को याद रखना, आपकी उंगलियां सूज जाएंगी ऐसा लिखना। इसके अंदर तो कई बार आपको एक चीज 50 बार भी लिखनी पड़ेगी याद करने के हिसाब से। कुछ ऐसी चीजें मैं आपको बोलूंगा जो बोलूंगा अभी 50 बार इसलिए लिखने क्योंकि फाइनल के बाद भी, मरने के बाद आपको मरने के बाद भी, जलने के बाद भी, और कब्र के अंदर भी ये सब चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। तो ऐसी चीजें मैं आपको 50 बार लिखने की लिखवा के जाऊंगा। देखो राइटिंग में भी आपको इंटर में दो टाइप का राइटिंग करने हैं, एक मॉरल टेक्निक वाले, मेमोरी टेक्निक वाले राइटिंग, मतलब जो चीजें परमानेंटली आपके दिमाग में घुस जानी चाहिए वो मेमोरी टेक्निक वाले राइटिंग, और दूसरे आपको राइटिंग करने हैं बच्चों आंसर राइटिंग। मैं आपको इस लेवल पे ट्रेन करके जाऊंगा। देखो मैंने आपको ऑलरेडी प्रॉमिस किया है कि हम सीए इंटर के क्वेश्चनर का 50 से 60% क्वेश्चनर क्लास के अंदर कर लेंगे या फिर मेरे साथ डिस्कशन कर लेंगे। अगर हमको नंबर ऑफ लेक्चर्स नहीं बढ़ाने तो हम कंटेंट लेक्चर वी विल कीप इट टू 70 लेक्चर्स या 75 लेक्चर, उसके एडिशन में अगर हम चाहे तो क्वेश्चनर के लेक्चर करेंगे। फिर जिसको करने हैं क्वेश्चनर के लेक्चर वो मेरे साथ करे, खुद पढ़ना है तो खुद भी पढ़ सकते हो। तो मैं आपको आंसर राइटिंग करवाऊंगा, ताकत से आंसर राइटिंग करवाऊंगा, हर एक सेक्शन का आंसर राइटिंग करवाऊंगा, इतना लिखवाऊंगा कि आप फ्रस्ट्रेट हो जाओ। ये जरूरी है सीए इंटर लेवल पे, क्योंकि फाउंडेशन पे क्या आदमी तो आता है 11th 12th से पढ़ता है, ये पहले एक महीने पहले किताब खोलेगा, वो तो फाउंडेशन इसलिए बीकॉम रहता तो पहली रात को किताब खोलता था, बीकॉम रहता तो पहली रात को किताब खोलता है, दूसरे दिन सवेरे सो जाता है मस्त आराम से, एग्जाम में जाता है क्या लिखता है, काय के ऊपर मार्क मिलता है कोई संबंध नहीं रहता। मतलब तुम सोचते क्या हो लिखते क्या हो वो मार्क किसके ऊपर देखा इसमें कोई तालमेल नहीं रहता बीकॉम में। बीकॉम तो तुमको मालूम है तुम कैसे पास कर रहे हो जिंदगी में, बीकॉम की तरफ तो मतलब वो ऐसा है जैसे सौतेला बच्चा है तुम्हारा, ऐसे तुम उसको ट्रीट करते रहते हो। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? तो
हम फाउंडेशन पे जब आते हैं तो एटलीस्ट एक महीना पहले बुक खोलते हैं और फिर पढ़ना शुरू करते हैं कि क्या चीज चल रही है, क्या चीज नहीं चल रही है, ये सब चीजें हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो फाउंडेशन में अगर आप सिलेबस का कंप्लीट रीडिंग भी कर लो अच्छे से, डीप रीडिंग याद करके, तो आप पास हो जाओगे। रीडिंग का मतलब, मेरे को रीडिंग का मतलब रहता है बच्चों याद करना। आप याद कर लो तो भी आप पास हो जाओगे फाउंडेशन में। कई आप में से कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका रिजल्ट आएगा उनको पता चलेगा कि फाउंडेशन में उन्होंने याद किया इसलिए पास हुए, भले ही लिखने की प्रैक्टिस इतनी ना की हो। पर इंटर पे भैया मैं मार मार के लिखवाऊंगा, याद रखना। मैंने पहले ही दिन, पहले ही लेक्चर में आई गेस बोला था कि जिसको मेहनत करनी है वो मेरे से पढ़े, नहीं तो जिसको नहीं मेहनत करनी ना, अगर आपको पूरी दुनिया में कोई भी कितना भी प्रॉमिस करे आप पास नहीं हो सकते। मैं आपको सच्ची में हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं जिसको मेहनत करे है वही सिर्फ मेरा क्लास ज्वाइन करे। लाइव स्ट्रीमिंग अगर हम करेंगे तो मैं डेली आपसे मेहनत करवा लूंगा, ताकत से डेली आऊंगा, लेक्चर लूंगा, आंसर राइटिंग करवा के लूंगा, आंसर पढ़ के बताऊंगा, सभी चीजें मैं ये करके दूंगा। क्लियर है कांसेप्ट? लेकिन मेहनत करनी है तो रेडी रहो, ठीक है। बाकी अगर आपको पूरे पूरे दुनिया में अगर कोई आपको ये बोले ना कि भाई टेंशन मत ले, टीचर के भरोसे पास हो जाएगा, मेरे को माफ करना, ये नहीं हो सकता, ये गलत है। अगर मैं आपको ऐसा ख्वाब भी दिखा रहा हूं ना कि सिर्फ मेरे भरोसे पे आप पास हो जाओगे तो मैं गलत कर रहा हूं, ये कोई कर नहीं सकता। और अगर ऐसा कोई बोल भी रहा है तो उसके ऊपर विश्वास ना करना, आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी, करनी ही पड़ेगी, देयर इज नो ऑप्शन, ठीक है। मेरे तरफ से जितना होता है वो तो मैं दे रहा हूं, लेकिन मैं आपको झूठे ख्वाब नहीं दिखाऊंगा, जो है फैसिलिटी वो बताऊंगा। मेरा फायदा आपको क्या है, तो मेरा फायदा आपको सिर्फ इतना ही है, मैं आपको बोलूंगा, जब आदमी किसी जंगल के अंदर जाता है, एक घना जंगल है जिसके बारे में आपको कोई आइडिया नहीं है, तो आदमी जब किसी घने जंगल में जाता है तो ऐसे केस में उसको पता नहीं होता जंगल में सांप है, जंगल में बाघ है, बिच्छू है, केकड़े हैं, और कहां है ये नहीं पता, सामने पेड़ है, गड्ढा है, नहीं पता। मैं ऐसा पर्सन हूं जो आपको ये बता सकता है कि कौन सी चीज कहां है, क्योंकि मैं इस चीज को कई बार देख चुका हूं, इस जंगल में मैं कई बार घूम चुका हूं, हर कोना चप्पा मेरे को मालूम है कि कौन सी जगह कौन से पेड़ है, कौन सी जगह बाघ आ सकता है, कौन सी जगह सांप बिच्छू, कौन सी जगह आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और पिछले 6-7 लेक्चर में आपको ये पता चल जाएगा कि ऐसी चीज होने वाली है। तो मेरा एडवांटेज आपको, देखो मैं गाइड नहीं हूं आपका, मैं टॉर्च हूं, आई एम माइसेल्फ अ टॉर्च। अब आपके ऊपर डिपेंड है आप इस टॉर्च को किस तरीके से हैंडल करते हो। मैं टॉर्च हूं, मैं लाइट हूं, आप जिस तरफ इसका फोकस करोगे उतना एडवांटेज आपको मिलेगा। अगर मेरे हिसाब से मैं टॉर्च भी हूं पर मैं आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट टॉर्च हूं, ऐसा समझ लो कि इस टॉर्च को खुद का दिमाग भी है। मैं आपको बताऊंगा भी कि ये एरिया है, यहां मुझे फोकस कर, ये चीज तेरे को बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए, ये एरिया है यहां मुझे फोकस कर, ये चीज तेरे को बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? सो आई एम नॉट अ पर्सन जो आपके लिए टॉर्च होल्ड करेगा, आई एम ओनली अ टॉर्च। ये चीज को आपने बड़े अच्छे से याद रखना। क्लियर है कंसेप्ट? तो आपको जंगल की हर एक चीज पता चलेगी, सिर्फ मैं इंटेलिजेंट टॉर्च हूं, मैं खुद बताऊंगा कि मेरे को फोकस कहां करना है। कंसेप्ट समझ में आएगा? तो ये चीज को आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना कि भैया यहां अगर आपको कोई भी बोले दुनिया को, कोई भी पर्सन की इंटर तू सिर्फ उस टीचर के भरोसे पास हो जाएगा, झूठ बोल रहा है। आई विल स्ट्रेट अवे टेल यू, झूठ बोल रहा है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा, आपको मेरे साथ मेहनत करनी पड़ेगी। मैं जितनी मेहनत करूंगा उससे 10% आपको करनी पड़ेगी, और यकीन रखना मैं आपसे कभी भी ज्यादा मेहनत करने की कोशिश करूंगा, कभी भी ज्यादा। मैं आपको उस लेवल तक की मेहनत दिखाऊंगा जिस लेवल के ऊपर आपको उठना है, तो आपके लिए चैलेंज रहेगा, ये चीज को याद रखना। जिसको मेहनत करनी है सिर्फ वही क्लास ज्वाइन करे, मैं पहले ही डिक्लेयर कर देता हूं, ठीक है। ज्यादा बच्चे नहीं पढ़ाए मेरे को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिनको पढ़ाया वो पास होनी चाहिए, बात सिंपल है। हजारों बच्चों पढ़ाने का कोई, अभी जितना मैं फ्रेंकली बताऊं, मैं मतलब लिटरली फ्रेंकली बताऊं, तो आज के डेट में भी अगर मैं टीचिंग छोड़ दूं तो मेरे खाने पीने के वांदे नहीं होंगे, मेरे फैमिली के भी खाने पीने के वांदे नहीं होंगे, इतना मैंने कमा के रख लिया है। अभी जो सिर्फ टीचिंग कर रहा हूं वो सिर्फ पैशन से कर रहा हूं, तो आप इमीडिएटली बोलोगे सर फीस क्यों ले रहे हो, फीस रिफंड हो। फिर फीस तो बड़ा इसलिए ले रहा हूं क्योंकि कर्म है। अगर मैं आपसे फीस नहीं लूंगा ना, आपको नहीं पता कि कौन से अमाउंट में आपको फ्यूचर में मुझे पे करना पड़ जाए। और मैं आपके ऊपर ऐसी बड़ी लाइबिलिटी, सच में हाथ जोड़ के बोलता हूं, क्रिएट नहीं करना चाहता। जिंदगी में बहुत कुछ सीखा हूं, बहुत सारे लोगों से पैसे उठाए हैं, उनको किस लेवल पे करने पड़ जाते हैं इसका आपको शायद कोई अंदाजा नहीं है। जब लास्ट डे स्टोरी बताऊंगा तो आपको आइडिया आएगा कि क्या क्या जिंदगी में हुआ है। इसलिए किसी के ऊपर, ये भी एक टिप ले लेना, किसी का फाइनेंशियल डेट खुद के ऊपर मत रखना, किसी का कोई भी डेट मत रखना, फॉर दैट मैटर फाइनेंशियल क्या, एनी डेट किसी का खुद के ऊपर मत रखना, ठीक है। बी फ्री फ्रॉम डेट। किसी ने आपके लिए कुछ किया है आप उसके लिए करो, किसी ने आपको गाड़ी उधार दी है जा भाई मेरी गाड़ी लेके जा, उसका पेट्रोल टैंक फुल करके दो, दिस इज रिक्वायर्ड, उसका पेट्रोल टैंक फुल करके दो, ठीक। अनलेस एंड अंटिल वो बहुत खास दोस्त नहीं, एकदम बेस्ट फ्रेंड है, तो उसका पेट्रोल टैंक पूरा एम्प्टी करके वापस दो कि बाद में वो किक मारे तो भी गाड़ी ना चले, उसको पेट्रोल पंप तक ढकल के लेके जानी पड़े। बेस्ट फ्रेंड है तो यही करना। हाँ, अगर कोई पहचान वाला है जिससे अगर आप उधार लेते हो तो उसको, अगर वो इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर रहा तो उसको पैसे वापस दो, उसको एक आधी पार्टी दे दो, ही विल बी हैप्पी। बट कोई भी डेट खुद के ऊपर क्रिएट मत कर लेना,
इसलिए मैं आपको बोलता हूं कि ये चीज मैं आपके ऊपर क्रिएट नहीं कर पाऊंगा कोई भी फाइनेंशियल डेट, इसलिए फीस लेनी है वो मार्केट का ट्रेंड है। और इंसान को कमाना तो अच्छा ही लगता है, तो मेरे को भी कमाना अच्छा लगता है, बट जितना नेसेसिटी है वो तो हो चुका है। तो अभी जो टीचिंग है, पहले ऐसा था कि सर्वाइवल के लिए भी पढ़ाता था, खुद के सर्वाइवल के लिए, कि थोड़े पैसे आ जाए सर्वाइव हो जाओ, बट अभी मैटर ऑफ पैशन ज्यादा है, मैटर ऑफ अर्निंग बहुत कम है। ये चीज को आपने याद रखना। इसलिए मेरे तरफ से जितने दे रहा हूं उतना सब कुछ मैं आपको देने की कोशिश करूंगा, पर मेहनत करनी पड़ेगी, ये चीज को भी आपको याद रखना है, ठीक है। फाइनल लेवल पे तो इससे भी बुरे हाल है, फाइनल लेवल पे इससे भी बुरे हाल है। अगर मैं आपको फ्रेंकली बोलू तो फाइनल लेवल पे भैया आपको राइटिंग प्रैक्टिस तो ही, मतलब राइटिंग प्रैक्टिस तो फाइनल लेवल पे बेसिक है, फाइनल लेवल पे राइटिंग प्रैक्टिस तो बेसिक है भैया, बेसिक है, ये तो करना ही है, झक मार के करना, ऑप्शन नहीं है जिंदगी के अंदर। जो इंटर पे राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करेगा ना, उसका फाइनल लेवल पे बर्डन थोड़ा शेड हो सकता है, फाइनल लेवल पे थोड़ी उसको हेल्प हो सकती है, पर जिसने इंटर पे राइटिंग प्रैक्टिस नहीं किया और लकीली पास हो गया, क्योंकि ऐसे बंदे लकीली ही पास होते हैं, तो जिसने इंटर पे राइटिंग प्रैक्टिस सॉल्विंग प्रैक्टिस नहीं किया और लकीली पास हो गया, फाइनल लेवल तो उसको इतना टफ जाएगा, इतना टफ जाएगा कि वो सोच नहीं सकता। इसलिए यहीं से राइटिंग प्रैक्टिस शुरू करो। सो फाइनल लेवल पे तो राइटिंग बेसिक है, इसके ऊपर वो आपको ठोक के मारेंगे एनालिसिस, इसके ऊपर वो आपको ठोक के मारेंगे अमेंडमेंट्स, इसके ऊपर वो आपको ठोक के मारेंगे लेटेस्ट केस लॉज, इसके ऊपर वो आपको ठोक के मारेंगे करंट सिनारियो ऑफ मार्केट, ठीक है। जितनी चीजों में आपको पकड़ के ठोक सकते हैं हर चीज में आपको ठोकेंगे। मतलब फाइनल में तो ऐसा होता है कि मॉड्यूल के अंदर अगर कोई दो लाइन लिखी है किसी कंसेप्ट के ऊपर, दो लाइन, वो दो लाइन के ऊपर वो 16 मार्क का सवाल पूछ लेंगे। इंस्टीट्यूट का फाइनल में कोई माए बाप नहीं है भाई, इंस्टीट्यूट ने जो करना है वही करना है। इंस्टीट्यूट बोलेगा हमारा कोई वाली नहीं है, कोई माए बाप नहीं है जो हमको डायरेक्शन देगा क्या करना है, हम वही करेंगे जो एक सीए बनाने के लिए जरूरी है। कंसेप्ट समझ में आया, ये है भैया फाइनल। तो हमें हमारा टीचिंग का मेथोडोलॉजी भी मुझे चेंज करना पड़ता है। फाउंडेशन जो लोग मुझसे पढ़े हैं, फाउंडेशन जो मुझसे पढ़े उनको ऑलरेडी पता होगा कि दर्शन सर बहुत फनी वे में पढ़ाते हैं फाउंडेशन वगैरह, पर मैं आपको अभी से वॉर्न करके रखूं, हम फनी जाएंगे, हम एंटरटेनिंग जाएंगे, पर फाउंडेशन में मेन मकसद क्या होता था, एंटरटेनमेंट में कंसेप्ट पिलाता था। इंटर लेवल पे मेरा टीचिंग टेक्निक थोड़ा चेंज हो जाएगा, मैं कंसेप्ट पिलाऊंगा, और जहां मेरे को ऐसा लग रहा है कि बच्चों को एब्सॉर्ब नहीं हो रहा है वहां मैं एंटरटेन करूंगा। ये चीज को भी याद रखना, फाइनल लेवल पे मैं एंटरटेन करूंगा ही नहीं, पर मैं कंसेप्ट ऐसे पिलाऊंगा आपको। और फाइनल लेवल पे वैसे भी आप इतने मैच्योर हो जाओगे, आर्टिकलशिप से फटके खा के आ चुके होंगे, तो आपको एंटरटेनमेंट की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आप वैसे ही जागे हुए रहोगे, बिकॉज जिंदगी इतनी मार चुकी होगी कि आपको किसी और के मारने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिंपल एज दैट। सो फाइनल लेवल पे आओगे ना, एंटरटेनमेंट एकदम निग्लिजिबल, पूरा कंसेप्ट और एनालिसिस, और कंसेप्ट और एनालिसिस ही ऐसे दूंगा कि जिंदगी में आपको कोई ये चीज दे नहीं पाएगा, इस लेवल के दूंगा। आप अभी भी मेरे फाइनल के वंडर विजन वगैरह जो अपलोडेड, उनके व्यूज देख लेना, डेढ़ डेढ़ दो दो लाख व्यूज आते हैं उसके अंदर स्ट्रेट अवे, ठीक है। तो टीचिंग टेक्निक भी चेंज है। फाउंडेशन जैसा आप एंटरटेनमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हो इंटर पे कि नहीं दर्शन सर बहुत एंटरटेन करेंगे, ना, फर्स्ट प्रायोरिटी इंटर लेवल पे कंसेप्ट, क्योंकि आपके लिए मेरे लिए जरूरी है, आपको समझने के लिए जरूरी है, एंटरटेनमेंट में समय गवा दूंगा तो भी आप पढ़ नहीं पाओगे, ये बहुत जरूरी है। तो जहां मेरे को ऐसा लगता है इंटर लेवल पे कंसेप्ट जा रहा है, तो आप ऐसा समझ लो 50-50 कंसेप्ट 50 एंटरटेनमेंट, 50 कंसेप्ट 50 एंटरटेनमेंट, लेकिन फाइनल लेवल पे 90 कंसेप्ट है और 10 एंटरटेनमेंट है, आप ऐसा समझ सकते हो। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? अगर आप इन चीजों को स्ट्रिक्टली स्ट्रेटेजी को फॉलो करो, I will assure you कि तुम्हारा लॉ का सब्जेक्ट मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रोवाइडेड तुम मेरे साथ मेहनत करो, मेरे साथ ही मेहनत करनी है, अलग से नहीं करनी है। मुझे यह चाहिए कि जिस दिन आपकी लॉ की क्लास खत्म हो और मैं आपको 100 मार्क का पेपर हाथ में दे दूं, तो आपको लिखने के लिए झिझकाओ नहीं, ठीक है। भले ही पास हो ना हो, वो दैट इज डिफरेंट मैटर, पर जिस दिन क्लास हो उस दिन मैंने आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर रख दिया 100 मार्क का, तो यू शुड बी नॉट अफ्रेड ऑफ इट, आप उससे घबराने नहीं चाहिए। आप बोलोगे आने दे साले को, मैंने इतना राइटिंग प्रैक्टिस किया है, 200-300 सवाल सॉल्व कर लिए, नाउ मेरे लिए तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, पेपर कैसा भी आए मेरे को ये मालूम है 40 तो मैं निकाल लूंगा। ये कॉन्फिडेंस आपने बिल्ट अप हो गया तो आप वैसे ही पास हो गए। उसके बाद जो आप जितनी मेहनत करोगे आपको एग्जामिशन तक लेके जाएगी, और हमारा टारगेट सिर्फ एग्जामिशन है, वो छोड़ के कुछ भी नहीं। क्लियर है सर? आई गेस आपको ये चीज समझ में आई होगी। मैं बहुत कन्विक्शन के साथ ये चीज बोल रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप में से हर बंदा फर्स्ट अटेम्प्ट में चार्टर्ड बने, फर्स्ट अटेम्प्ट में। मैं 21 साल की उम्र में चार्टर्ड बना हूं, 21 इयर्स ऑफ एज, एक अटेम्प्ट लगने के बाद भी। मेरा सिर्फ एडवांटेज ये था कि मैं 1 ईयर एजुकेशनली एडवांस था, मतलब मेरे बैच के अंदर सब 86 बॉर्न बच्चे थे 1986, मैं सबसे छोटा रहता था क्लास के अंदर जो 87 बॉर्न था, तो मुझे एक साल का एडवांटेज था, जिस वजह से मैं 21 के एज में सीए बना। और मैं आपको बोलता हूं जब आप 21-22 की उम्र में सीए बन जाते हो ना, तो आपको बाद में करने के लिए बहुत सारे एवेन्यूज मिलते हैं। उसके बाद 25 तक के भी आप पढ़ सकते हो, आप एक्चुअरियल साइंस कर सकते हो, एमपीएससी यूपीएससी कर सकते हो, एमबीए कर सकते हो, आईआईएम वगैरह जैसे बड़े कॉलेज से,
और इस ये अगर आपने इसमें से मतलब 21-22 में सीए बन गए और ये दो चार कोर्सेज में से सीएफए कर सकते हो, कुछ भी कर लिया ना, आप कम से कम 20 से 30 या 50 लाख के इंसान रहोगे। ये चीज को याद रखना। मेरे कुछ दोस्त है, मैं उसको भी बोल दू, वो बना है 21 साल में। मैं जिस फर्म में आर्टिकलशिप करता था, बीके करंट कंपनी, वहां पे एक बंदा था नेमिश करके, जहां तक मेरे को पता है, वो 21 साल की उम्र में सीए बन गया था। उसने बाद में कैट दिया, कैट एमबीए का एंट्रेंस टेस्ट, और आईआईएम अहमदाबाद या बैंगलोर, आई एम नॉट श्योर, अहमदाबाद या बैंगलोर में लगा। मुझे एटलीस्ट, मेरे को पता नहीं उसका पैकेज कितना होगा, पर मुझे एटलीस्ट ये पता है कि उसका स्टार्टिंग पैकेज एट द एज ऑफ 24 वाज नियर टू 30 to 40 lakhs, बिकॉज चार्टर्ड अकाउंटेंट विथ एमबीए फ्रॉम आईआईएम इज 30-40 लाख के कम से कम ऊपर वाला बंदा है ये। ये चीज को आपने याद रखना, दिस इज व्हाट वी रिक्वायर्ड टू डू। इसलिए स्ट्रेटेजी बोल रहा हूं, लाइफ को यहां से 10 दिन 10 साल तक प्रोजेक्ट करो, 10 दिन नहीं 10 साल तक प्रोजेक्ट करो कि अगले 10 सालों में आप खुद को कहां देखना चाहते हो। एक गौतम बुद्ध का बहुत अच्छा कोट है, गौतम बुद्ध का बहुत अच्छा कोट है, आप खुद को जो माइंड में विजुअलाइज करते हो ना, खुद को आप जो माइंड में विजुअलाइज करते हो, नियरली 10 ईयर्स के अंदर आप उस पिक्चर में, रियलिटी में खुद खड़े होते हो। ये बुद्धा ने बोला है, मैंने नहीं बोला है, मैं तो बहुत छोटा आदमी हूं, गौतम बुद्धा ने बोला। अगर गौतम बुद्धा ने बोला है तो कुछ सोच के ही बोला होगा, 2500 साल पहले बोल के गए हैं, अभी भी लोग उनको फॉलो कर रहे हैं, तो कुछ तो बोल के गए होंगे, ठीक है। और ये सभी ने बोला है, मतलब मैक्सिमम स्पिरिचुअल मास्टर या ये इन सब ने ये चीजें बोली ही है कि आप खुद को जो थॉट प्रोसेस दोगे, खुद को जैसा पिक्चराइज करोगे, वैसा ही आप बनोगे। तो यहां से एक चीज ये लेक्चर से अगर आप सीख सकते हो, ये पहले आधे एक घंटे के डिस्कशन से, तो स्ट्रेटेजी याद रखो ये एक, दूसरी चीज आप कोई सीख सकते हो तो यहां से 10 साल का खुद का पिक्चराइजेशन करो कि 10 साल में आपको कहां पहुंचना है, 10 ईयर्स में आपको कहां पे पहुंचना है, ठीक है। वो पिक्चराइज करो, आपका वो पिक्चर जिस दिन क्लियर हो जाएगा, उस पिक्चर के लिए जबरदस्त तरीके से मूव करना शुरू करो। ऑब्वियसली आप सरप्राइज हो जाओगे कि विद इन द पीरियड ऑफ 10 ईयर, मेरे साथ हुआ है, मैंने जब टीचिंग शुरू किया था 10 साल पहले, तो आई हैव पिक्चराइज्ड माइसेल्फ लाइक दिस कि मैं हजारों बच्चों को पढ़ाऊंगा। सो आई एम डूइंग इट, आई एम लिविंग इट। तो आपको ही ऐसा पिक्चराइज करना पड़ेगा। सो दिस इज अ स्ट्रेटेजी, एक टिप दे दिया मैंने लाइफ के लिए, 10 साल के लिए प्रोजेक्ट करो, दिस विल हेल्प यू अलॉट, ठीक है। समझ में आया तो लाइक ठोकिए, मुझे कमेंट में बताइए कि आपको समझ में आया, कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हो, तब तक ये लिख के रखिए, ठीक है। ये चीज लिख के रखिए, फ्रंट पेज पे कहीं लिख के रखिए, क्योंकि आप भूल ना जाओ कि स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, फ्रंट पेज पे लिख के रखना, गो फॉर इट फास्ट। मौक्तिक, अभी आपको सिर्फ YouTube के ऊपर लेक्चर देखना है बेटा। मौक्तिक, YouTube के 15 लेक्चर खत्म होने के बाद में आपको डेली एक लेक्चर मिलेगा Google Drive के ऊपर, या ऑनलाइन स्ट्रीमिंग में भी आप मौक्तिक इसको देख सकते हो। अभी आपको बुक्स मिल जाएंगे 5-7 दिन के अंदर, सो यू कैन स्टार्ट योर स्टडीज। अगले 5-7 दिन में आपको वैसे भी बुक्स की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ने वाली। थैंक यू सो मच गाइस। बुक्स अवेलेबल नहीं है बेटा वेबसाइट के ऊपर बाय करने के लिए दीपाली, सिर्फ लेक्चर्स अवेलेबल है। लेक्चर बाय करोगे तो बुक्स अपने आप मिल जाएंगे। गुड मॉर्निंग अभिषेक जितने भी लोगों ने बोला है वी आर रेडी फॉर मेहनत करने के लिए, बहुत अच्छा। आप अगर मेहनत करने के लिए रेडी हो तो मैं पढ़ाने के लिए भी बहुत ताकत से रेडी हूं। बोर्ड पर का कंसेप्ट एक बार लिखना हो जाए तो मुझे प्लीज बोल देना। हाँ बिल्कुल बेटा, आपने पीडी भी लिया है तो भी चैतन्य आप लाइव स्ट्रीम देख पाओगे, नॉट अ इशू। ऑर्डर प्लेस किया है तो बेटा मौक्तिक अभी वेबसाइट के ऊपर शो, मतलब अभी वेबसाइट के ऊपर शो नहीं करेगा, बट आपको डिलीवरी मिल जाएगा। कल परसों से ही आपका शुरू हो चुका है तो डिलीवरी आपको 7 से 8 दिन में मिल जाएगा। नहीं मिलता है तो मुझे अगले 6-7 लेक्चर्स के बाद बोलना। चलो बहुत बढ़िया,
लाइव स्ट्रीम सॉफ्टवेयर के ऊपर होगा राहुल, मैं सभी इंस्ट्रक्शंस दूंगा कि सॉफ्टवेयर कैसे रन करना है। जो अगर हम लाइव स्ट्रीम करेंगे तो मैं सॉफ्टवेयर के यूट्यूब के ऊपर पूरे इंस्ट्रक्शन देके जाऊंगा कि आपको सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करना है, कहाँ ये चल सकता है, क्या रिक्वायरमेंट है, सब चीजों के लिए एक लेक्चर हम रिकॉर्ड करेंगे टेक्निकल एंगल से कि आपको कोई तकलीफ ना जाए। क्लियर है सब? ये चीज को बड़े अच्छे तरीके से बच्चों याद रखना। अब मैं बढ़ता हूं आगे। सो अगर आप अभी मेहनत करने के लिए रेडी हो तो लेट्स एंटर इनटू सीए इंटर। यहां से कंटेंट शुरू होता है मेनली सीए इंटर का। वार्निंग दे रहा मेरा काम था, आपने वार्निंग ले ली तो मैं बड़ा खुश हूं इस चीज के ऊपर कि आपको वार्निंग समझ में भी आ गई। दर्शन सर बोलना क्या चाहते हैं ये भी आपको समझ में आ गया। हाँ लैपटॉप पे तो जरूर चलेगा बेटा लाइव स्ट्रीम, कोई दिक्कत नहीं, लैपटॉप ही तो हमारा मेन होता है जिसके ऊपर हम लाइव स्ट्रीम चलाते हैं। ठीक है, थोड़ा मुझे इसे पावर पॉइंट ओपन करने दो राहुल। लैपटॉप पे चलेगा जरूर, डोंट वरी। डाउनलोड वाली वीडियो गूगल ड्राइव के ऊपर भी पे आएगी, आप उसको लाइव स्ट्रीम में भी दे सकते हो और वो गूगल ड्राइव के ऊपर भी आएगी बच्चों, डोंट वरी। अच्छा आ जाइए, अब मैं शुरू करता हूं हमारे तीसरे और वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी के साथ, जो बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत मतलब हद बाहर जरूरी है। आर्चरी, आर्चरी का मेरे को नहीं पता बेटा कुछ, आर्चरी क्या होता है? आर्चरी नहीं बे, एक्चुअली एक्चुअली आर्चरी नहीं है वो, एक्चुअली बेटा भवन हुआ है, आर्चरी नहीं एक्चुअली है। और जिनको करियर ऑप्शंस के बारे में ज्ञान लेना है वो बने रहे, मैं आपको करियर ऑप्शंस के ऊपर एक बाकायदा आधे से एक लेक्चर लूंगा जिसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप कितने करियर ऑप्शन चूज कर सकते हो सीए बनने के बाद, और कौन से एज में चूज कर सकते हो, कब चूज कर सकते हो, ये सब बताऊंगा। बिजनेस कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, सब इसका एक बाकायदा लेक्चर मैं आपको दूंगा, डोंट वरी। ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं। मैं आर्चरी देख के मैं परेशान हो गया, बोला आर्चरी ये कौन सा कोर्स है। ठीक है चलो लेट्स गो, कोई बात नहीं बेटा, नहीं पता गलती हो गई, अपन है जिंदगी में सुधारने के लिए, टेंशन मत लो। ठीक है साथ साथ में गलतियां करेंगे, लेट्स गो। सो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद हमार थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। पहला कैरेक्टर था इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, दूसरा था आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, तीसरा कैरेक्टर है सेपरेट लीगल एंटिटी। एक बार सब जन जोर से बोलेंगे, अकेले बैठे हो फिर भी बोलो, घर वाले परेशान हो जाने चाहिए। सेपरेट लीगल एंटिटी, सेपरेट अलग, लीगल कानूनन, एंटिटी व्यक्ति, अलग कानूनन व्यक्ति, अलग कानूनन व्यक्ति मतलब ऐसा व्यक्ति जो लॉ के नजरिए में सेपरेट है, जिसका खुद का अपना वजूद है, अस्तित्व है। जैसे मेरा अपना वजूद है, अस्तित्व है, दर्शन खरे का वजूद है, अस्तित्व है, तुम्हारा अपना वजूद है, अस्तित्व है, गुलाब गर्ग का अपना वजूद है, अस्तित्व है, अनुजा ओझा का अपना वजूद है, अस्तित्व है, अंशुल चंचन का, चंदन चंचन चाचन, हाँ अंशुल चाचन, वेरी सॉरी अंशुल गलत नाम ले लिया। सो इसका अपना वजूद है, अस्तित्व है, हरेक का अपना आइडेंटिटी है। तुम्हारा आधार कार्ड है, तुम्हारा पैन कार्ड है, तुम्हारा पासपोर्ट होगा, क्लियर है कंसेप्ट? आधार कार्ड के ऊपर भली फोटो वो होगी जो खुद पहचान नहीं सकते होंगे तुम कि ये कौन है। ठीक है मतलब समझ में ही नहीं आता होगा कि ये कौन है, तू है या कोई और है। ठीक है ऐसा ऐसा समझ में नहीं आता होगा, ये सुनो। तो आधार कार्ड के ऊपर की फोटो पर से केस मत करना, पर तुम्हारा आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस है, मतलब तुम्हारा खुद का अपना वजूद है, तुम्हारा अपना अस्तित्व है। जैसे तुम्हारा वजूद अस्तित्व है, वैसे है कंपनी का भी वजूद अस्तित्व होता है। आपको पता है कंपनी के भी आधार कार्ड निकलते हैं, कंपनी के भी पैन कार्ड निकलते हैं, कंपनी के टिन नंबर निकलते हैं, कंपनी के पासपोर्ट नहीं निकलता क्योंकि कंपनी बाहर देश नहीं जाती। ठीक है हालांकि बाहर देश में ब्रांच ओपन करती है तो उसको वहां पे डोमेसिलिटी के लिए या सिटीजनशिप के लिए कंपनी के डिपेंडिंग ऑन वहां के लॉज डिसाइड करना पड़ता है कि क्या करेगा। मतलब कंपनी का भी वजूद है। हाँ कंपनी बोल नहीं सकती, चल नहीं सकती, सोच नहीं सकती, दिमाग नहीं है, बॉडी नहीं है, पर कंपनी का खुद का वजूद है। कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, खुद की आइडेंटिटी है। जैसे तुम्हारी थंबप्रिंट वाली आइडेंटिटी है, कंपनी की आइडेंटिटी होती है डिजिटल सिग्नेचर या कॉमन सील। तो आप ऐसा समझ लो मैं पर्सन हूं, आप पर्सन हो, कंपनी भी पर्सन है। दिखते नहीं है, महसूस नहीं कर सकते, टच करके, टच नहीं कर सकते उसको कि टच करके महसूस कर ले अच्छा लग रहा है, क्लियर? वैसा आप महसूस नहीं कर सकते कंपनी को, बट कंपनी का खुद का वजूद होता है। टाटा कंपनी का वजूद है, इंफोसिस कंपनी का वजूद है, इनका अस्तित्व है। तो आप जब कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो आप कंपनी से करते हो। मुझे एक बात बताओ, सेलफोन यूज कर रहे हो, आपने सेलफोन लिया होगा एप्पल का,
जब आपने सेलफोन लिया, अगर समझो एप्पल का आईफोन, तो क्या आपने स्टीव जॉब्स का फोन लिया ऐसा बोलते हो कि नहीं मैंने स्टीव जॉब का फोन लिया? तुम क्या बोलते हो? एप्पल का फोन लिया। अगर तुम उसके अंदर एयरटेल का कार्ड डाल रहे हो तो क्या तुम ये बोलते हो कि मैं भारती मित्तल, जो मित्तल है, उनका कार्ड यूज कर रहा हूं, कुमार मंगलम बिरला का कार्ड यूज कर रहा हूं? क्या आप ऐसा बोलते हो? नहीं, आप क्या कहते हो? मैंने एयरटेल का कार्ड यूज किया है। मतलब कंपनी का भी खुद का वजूद है। क्लियर कॉन्सेप्ट सबको? हाँ ना, जोर से बोलो। सुनो, ये चीज को आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना। सो इसको एक बार रीड करते हैं। अब मैं, जब मैं रीडिंग करूंगा, मेरे साथ साथ रीड करने की कोशिश कर रहा, कोऑपरेशन में, थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन में, ठीक है? बचपन में ए फॉर एप्पल, बी फॉर बड़ा एप्पल, सी फॉर छोटा एप्पल, डी फॉर दो एप्पल, ई फॉर ई एप्पल, एफ फॉर व्हाट द एफ एप्पल। क्लियर कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना। तो ऐसे आपने जब रिदम में बोला होगा नर्सरी में, वैसे ही यहां पे पढ़ना है मेरे साथ साथ। पढ़ने की आदत डालो, खास करके वो लोग जो मराठी मीडियम या सेमी इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करते हैं, उन्होंने तो पढ़ने की आदत डालनी ही चाहिए, ठीक है? क्योंकि इंग्लिश बहुत, मैं खुद मराठी सेमी इंग्लिश मीडियम से था, मेरे को मालूम है इंग्लिश में झंझट क्या जाती है। जिसको इंग्लिश सुधारनी, उसके लिए दो टिप, इंग्लिश गाने सुनो लिरिक्स देख के, और इंग्लिश मूवीज देखो, और इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ो। तीन टिप, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ो, ये तीनों चीजें आप करते रहोगे, डे बाय डे आपकी इंग्लिश पॉलिश होती जाएगी। इंग्लिश गाने बहुत जरूरी है, इंग्लिश मूवीज बहुत जरूरी है। इंग्लिश मूवीज मतलब कौन सी? नालायक को बैन वाली इंग्लिश मूवी नहीं, नालायक बच्चों, इंग्लिश मूवी मतलब वो नहीं, इंग्लिश मूवी मतलब नॉर्मल इंग्लिश। एनीवेज, नॉर्मल इंग्लिश मूवी, हल्के नॉर्मल इंग्लिश मूवी में भी वही होता है। चलो एनीवेज, आगे बढ़ते हैं। मेरे को कुछ बोलना ही नहीं, मेरे को इसके ऊपर बोलना ही, तुम बेकार लोगों, मेरे को बोलना ही नहीं। चलो रिदम में पढ़ते हैं। कंपनी हैव इट्स ओन आइडेंटिटी, इट्स ओन लीगल एग्जिस्टेंस, लाइक एनी अदर ह्यूमन। इट इज जस्ट अ कंपनी, इज इनटेंजिबल एंड एग्जिस्ट ओनली ऑन पेपर। कंपनी सिर्फ पेपर पे एग्जिस्ट करती है, वही उसका दोष है, पर कंपनी है। एज अ कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, इट हैज अ राइट टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन इट्स ओन, इट वर्क इन इट्स ओन नेम। कंपनी खुद के नाम पे कॉन्ट्रैक्ट करती है, खुद के नाम पे वो वर्क करती है। एवरीथिंग विच इज डन इन अ कंपनी विल बी नोन बाय द नेम ऑफ कंपनी। जो भी आप कंपनी के नाम पे करोगे वो कंपनी के नाम से ही जाना जाएगा। कल जाके अगर टाटा ने फैक्ट्री बोली तो कोई ये नहीं बोलता रतन टाटा ने फैक्ट्री डाली, लोग बोलते हैं टाटा की फैक्ट्री है। क्लियर आंसर? ऐसी तो कितनी सारी कंपनी होंगी जिनके नाम आपको पता होंगे लेकिन पर्सन नहीं पता होंगे। अदानी ग्रुप, अदानी ग्रुप सुना है आपने? अब अदानी ग्रुप के चेयरमैन कौन है आपको शायद पता भी नहीं होगा, एक हाथ दो जनों को पता होगा जरूर, लेकिन आपको कंपनी मालूम है लेकिन आपको ये नहीं। सुजलॉन आपको कंपनी मालूम है पर आपको ये नहीं पता। एमआरएफ आपको कंपनी मालूम है पर आपको कौन चेयरमैन है ये नहीं पता। तो जब कोई फैक्ट्री डालता है तो हम बोलते हैं एमआरएफ की फैक्ट्री, हम चेयरमैन का नाम नहीं लेते हैं। तो ये कंपनी का वजूद है, ये चीज को आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना। क्लियर है कॉन्सेप्ट? ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है? अब मैं बढ़ रहा हूं आगे, कॉन्सेंट्रेट करना डबल ट्रिपल। एक मिनट, होल्ड, कॉल आ गया था। अच्छा, कॉन्सेंट्रेट करना डबल ट्रिपल। अब ये सेपरेट लीगल एंटिटी को समझाने के लिए मैं कुछ केस स्टडीज ले रहा हूं, कुछ केस लॉज ले रहा हूं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कतई इंपॉर्टेंट, जहर इंपॉर्टेंट, मतलब मरने के बाद भी, जलने के बाद भी, कबर के अंदर भी आपको ये केसेस याद रहने चाहिए। सीए फाइनल पे आओगे तो भी मैं ये केसेस आपको पूछने वाला हूं, क्योंकि सीए फाइनल पे भी ये केसेस यूज होते हैं। तो इसके अंदर मैं सबसे पहला केस पुट करने जा रहा हूं बच्चों, एंड द फर्स्ट केस इज प्रिंसिपल ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी, जिसके लिए पहला केस है सालोमन वर्सेस सालोमन एंड कंपनी लिमिटेड। हो सकता है फाउंडेशन में कुछ लोगों ने केस देखा हो, पर मुझे बोलना जरूरी है, पर इसके एडिशन में भी दो तीन केसेस मैं बोलूंगा। तो पहले सालोमन एंड सालोमन से शुरुआत करते हैं, क्योंकि इसके बारे में हो सकता है आपको थोड़ा सा आइडिया होगा। सो सालोमन वर्सेस सालोमन, गाली टाइप से लगता है केस थोड़ा सा, तो इसके बाद में गालियां देना बंद। किसी को कुछ बोलना है साले सालोमन, अबे सालोमन, ठीक है, वर्सेस सोलोमन, ठीक है? तो केस भी याद हो जाएगा, सामने वाले को गाली भी दे देंगे और गाली देने का पाप भी नहीं लगेगा। तीन एडवांटेज, तीन, केस भी हो जाएगा, गाली भी दे देंगे, गाली देने का पाप भी नहीं लगेगा। केस बोल रहे हैं हम क्योंकि। सो सालोमन वर्सेस सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड। अब केस क्या हुआ था, फैक्ट्स बोलता हूं, बड़े अच्छे से ध्यान देना। फिगर्स थोड़े से इधर उधर हो सकते हैं, फिगर्स के ऊपर कोई ध्यान मत देना, क्योंकि एग्जाम में फिगर्स नहीं पूछते, कंसेप्ट पूछते हैं, ठीक है? एक बंदा था सोलोमन, इसको कराटे का बड़ा शौक था, लेट्स अज्यूम कराटे का बड़ा शौक था। कराटे का शौक था तो ये कराटे के हिसाब से शूज वगैरह बनाता था। एवी स्टोरी, अब कराटे के हिसाब से कोई शूज नहीं बनाता, बोलना एवी पे ले जा रहे जिंदगी में, स्टोरी ले लो जिंदगी में, ठीक है? ये शूज वगैरह मैन्युफैक्चर करता था और इसका शू मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस था। शू, शू क्या मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस था? शू। तो इसका शू, शुशु नहीं, नालायक, शुशु की बात नहीं, कैसे लोगों जिंदगी में, कोई किसी ने लिखा ना कमेंट के अंदर शूशू मारूंगा जिंदगी में, याद रखना। सो इसका शू, शू मतलब पैर में पहनने वाले शूज। सो इसका शूशू मैन्युफैक्चर, शू मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस था,
जब सोलोमन का शू मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस था तो यह बिजनेस बहुत बढ़ने लगा। ऐसे शू बनाता था कि लोग पहने, बाकी सब फट जाएगा पर शू नहीं फटेगा। ऐसा ऐसे शू बनाता था, भागते भागते फट जाएगी पर शू नहीं फटेगा। कंसेप्ट समझ में आ रहा था? ऐसा पैंट फट जाएगी, बोल रहा हूं पैंट, नालायक को पैंट फट जाएगी, ठीक है, पर शू नहीं फटेगा। ऐसा बिजनेस था सोलोमन का। फिर जब सोलोमन को यह लगा यार ये बिजनेस बहुत बड़ा हो रहा है, इसको मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूं, तो सोलोमन ने क्या किया, ये बिजनेस को सोलोमन ने एक कंपनी के नाम पे ट्रांसफर कर दिया। शू मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस, शू मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस सोलोमन एंड कंपनी को ट्रांसफर किया। बदले में अब कंपनी तो सेपरेट लीगल एंटिटी है, कंपनी तो सेपरेट पर्सन है। जैसे आप आपका बिजनेस आपके दोस्त को बेच सकते हो, मैं हूं, मैंने मेरा बिजनेस विजय सर को बेच दिया। विजय सर, विजय सर मालूम है सबको, विजय सर मस्त एकदम टैक्स जैसे सब्जेक्ट जैसा विजय सर है एकदम बड़े, ये सर ना। सो विजय सर को मैंने सोलोमन, मैंने शू का बिजनेस बेच दिया, विजय सर को बेच दिया। वैसे ही मैं सोलोमन का, मेरा शू का बिजनेस, अगर मैं सोलोमन हूं तो मेरा शू का बिजनेस में मेरे कंपनी को भी बेच सकता हूं, क्योंकि विजय सर का आइडेंटिटी है तो कंपनी का भी तो आइडेंटिटी है। सो शू बिजनेस बेच दिया, बदले में कंपनी से कंसिडरेशन लिया। बदले में कंपनी से क्या लिया, कंसिडरेशन। अब ये ब्रिटिशर्स के जमाने का केस लॉ है, इसलिए सब पाउंड में दिया है। पाउंड इज अ करेंसी फॉर द ब्रिटिशर्स, ठीक है, डॉलर, दिनार, दिरहम, वैसे ब्रिटिशर्स का है पाउंड। सो सोलोमन को कंपनी की तरफ से कैश आया पाउंड 9,000। सोलोमन को कंपनी की तरफ से 20,000 पाउंड के शेयर्स आए, और सोलोमन को कंपनी की तरफ से 10,000 पाउंड के डिबेंचर्स आए। फिगर मैंने थोड़े से राउंड अप किए हैं, कुछ एब्रप्ट फिगर्स भी हो सकते हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। सो 9,000 पाउंड का कैश आया, 20,000 पाउंड के शेयर्स आए और डिबेंचर्स आए 10,000 पाउंड के। टोटल 39,000 पाउंड का कंसिडरेशन था, पहले कैश आया, फिर भैया सर्टिफिकेट आया, शेयर सर्टिफिकेट, और फिर भैया क्या आया, तो आपके डिबेंचर सर्टिफिकेट्स आए। अब कंपनी अच्छे से चलने लगी, लेकिन कुछ दिनों बाद सोलोमन को मैनेजमेंट नहीं जमा इसीलिए, और अब जब शेयर मिले तो कंपनी में एटलीस्ट दो मेंबर्स तो लगते थे उस वक्त, अभी तो ओपीसी बन जाता है 1% कंपनी, पर उस वक्त ओपीसी का कंसेप्ट नहीं था, तो वहां कंपनी में कम से कम दो मेंबर लगते थे। तो सोलोमन ने जो 20,000 शेयर्स लिए ना कंपनी से, वो 20,000 शेयर में से खुद की जो वाइफ थी, वाइफ वाइफ एनीवेज मेरा दू सो वाइफ, मेरी वाइफ बहुत अच्छी है, कोई ये लेक्चर मेरे वाइफ को नहीं दिखाएगा जिंदगी में, ठीक है। सो कोई नहीं दे, नालायक चुप बैठना बिल्कुल, ठीक है। सो खुद की जो वाइफ थी सोलोमन ने उसको एक शेयर दे दिया, खुद का जो बेटा था वो भी कराटे का फैन था उसको एक शेयर दे दिया, खुद की चार बेटियां थी उन चारों बेटियों को एक एक शेयर दे दिया, मतलब एक शेयर वाइफ, एक शेयर सन, चार शेयर डॉटर्स को एक एक शेयर, ठीक है। ऐसा तो 20,000 शेयर में से 19,994 शेयर, 19,994 शेयर सोलोमन ने खुद ने रखे और बचे हुए को हर एक को एक एक शेयर दे दिया। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको, हाँ ना। इससे कंपनी का ओनरशिप डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इससे कंपनी का ओनरशिप क्या हो गया, बोले एक बार उसे डिस्ट्रीब्यूट हो गया। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको, ये चीज को आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना। कंपनी चलने लगी, सोलोमन मैनेजमेंट देखने लगा, सोलोमन मैनेजमेंट देख रहा था कंपनी चल रही थी, और कंपनी का बिजनेस और बढ़ाने के लिए सोलोमन ने बैंक से कर्जा भी उठा लिया, बैंक से 7,000 पाउंड का कर्जा उठाया। तो अगर अब हम सोलोमन की बैलेंस शीट बनाए, बैलेंस शीट सोलोमन एंड कंपनी की बैलेंस शीट बनाए, सोलोमन एंड कंपनी की बैलेंस शीट बनाए, तो भैया यहां पे 20,000 का कैपिटल है, कैपिटल 10,000 के डिबेंचर है, ठीक है। और अबे फोर सन हो, वन डॉटर हो, या वन डॉटर हो फोर सन हो, कंसेप्ट की तरफ ध्यान दो, इससे फर्क नहीं पड़ता कि कितने सन कितने डॉटर थे। आपको ऐसे भी सोलोमन एंड कंपनी के फैक्ट नहीं पूछेंगे, वो दूसरा कोई केस देंगे जिसके ऊपर से सोलोमन एंड कंपनी पूछेंगे कि आपने पढ़ा है क्या, इसलिए ध्यान देना। और उसके बाद में अगर आप गूगल पे सर्च करो तो इस केस के आपको 10 अलग अलग फैक्ट्स मिलेंगे, और केस इतना पुराना है, 80-90 साल पुराना, कि आप उसके फैक्ट टैली भी नहीं कर सकते। ये भी चीज को याद रखना। कैश सोलोमन को दिया था 9,000, तो ये तो यहां पे नहीं आएगा। हाँ, सोलोमन का गुडविल यहां पे आएगा, सोलोमन बिजनेस का गुडविल आएगा जो सोलोमन ने इनको बेचा, ठीक है। और इसके एडिशन में अब बैंक से जो लोन लिया है वो यहां दिखने लग गया है 7,000 पाउंड का। मतलब आप देखो लाइबिलिटी साइड कितनी चीजें खड़ी है, 10,000 के डिबेंचर, 7,000 का लोन, और कैपिटल खड़ा है 20,000 का। बदले में नियरली हम ऐसा कह सकते हैं कि यहां पे 37,000 का गुडविल होगा बिजनेस का, बिकॉज बाकी असेट्स को हमारे हमको पता नहीं है। तो ये फिलहाल
आइडिया होगा, कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको, हाँ ना? ये चीज है। अब बिजनेस चलने लगा, सॉलमन कंपनी ने लोन उठा लिया, बिजनेस चलने लगा। कुछ दिन बाद मार्केट में रिसेशन आया और सॉलमन कंपनी का बिजनेस ठप होने लगा और सॉलमन कंपनी फाइनेंशियल क्राइसिस में चली गई। लॉस इतना होने लगा कि लॉस ग्राफ फाड़ के जमीन में घुस गया और सॉलमन कंपनी की जो प्रॉपर्टी थी वो सेल करने के लिए बाहर आई। सॉलमन कंपनी की जो प्रॉपर्टी थी वो क्या करने के लिए बाहर आई? सेल, क्योंकि जब लॉस होता है तो बिजनेस बेचना पड़ता है। तो सॉलमन कंपनी की प्रॉपर्टी सेल के लिए बाहर आई। जब सॉलमन कंपनी की प्रॉपर्टी सेल के लिए बाहर आई तो सॉलमन के बैलेंस शीट में, अगर आपको याद होगा, तो दो क्रेडिटर खड़े थे। कैपिटल खड़ा था भैया 20,000 का, तो कैपिटल तो फिलहाल क्रेडिटर नहीं है, पर सॉलमन ने डिबेंचर होल्ड किए, डिबेंचर तो क्रेडिटर है 10,000 के, और बैंक का लोन था 7,000 का, तो ये क्रेडिटर थे सॉलमन कंपनी के। दो क्रेडिटर यहां पे खड़े हुए और सॉलमन कंपनी को इस प्रॉपर्टी को बेच के मिले तो सिर्फ 6,000 पाउंड मिले। अब आप सोचो, 6,000 पाउंड मिले और डिस्ट्रीब्यूट करने हैं 6,000 पाउंड को सॉलमन के 10,000 डिबेंचर्स में और बैंक के 7,000 पाउंड के लोन में। हालांकि सॉलमन कंपनी की तरफ से, सॉलमन कंपनी के पास कितने पाउंड है? सिर्फ 6,000 पाउंड, सिर्फ इतना ही। ये पाउंड का साइन है, ऑफिशियल साइन। सो 6,000 पाउंड को आप 10,000 डिबेंचर और 7,000 पाउंड में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। इसमें जब डिस्ट्रीब्यूशन की बारी आई तो बैंक ने बोला, अब बैंक का कंटेंशन क्या है बड़े अच्छे से सुनना। बैंक बोलता है कि भैया सोलोमन एंड सोलोमन एंड कंपनी, दीज आर वन एंड द सेम पर्सन, क्योंकि सोलोमन ये सोलोमन एंड कंपनी का 99% शेयर होल्डर है, तो ये दोनों अलग नहीं है। सोलोमन और कंपनी एक ही है, कंपनी का वजूद अलग नहीं है। अरे जो सोलोमन है वही कंपनी, क्योंकि यही 99% शेयर होल्डर है, इसी की फैमिली शेयर होल्डर है, तो हम इसको सेपरेट क्यों माने? और अगर ये सेपरेट नहीं है तो इसका 10,000 पाउंड का डिबेंचर का लाइबिलिटी तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। 10,000 पाउंड का डिबेंचर का लाइबिलिटी तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये बोला सोलोमन के खिलाफ बैंक ने। तो बैंक बोल रहा था कि ये 6,000 पाउंड जो है ये पूरे के पूरे बैंक को दिए जाए, 6,000 पाउंड पूरे के पूरे बैंक को दिए जाए, सोलोमन को इसमें से कोई भी पोर्शन ना मिले। ठीक है, सोलोमन को इसमें से कोई पोर्शन ना मिले। केस चला गया कोर्ट में। कोर्ट में एक साइड सोलोमन खड़ा है कटघरे के अंदर, मुंह लटका के या हा करते हुए, क्योंकि कराटे का बहुत अच्छा ये था बंदा। ठीक है, तो सोलोमन एक कटघरे में खड़ा है, दूसरे कटघरे में बैंक खड़ी है, बैंक खड़ी है, बीच में जज खड़ा है समझो। तो यहां पे बैंक बोलती है जज को कि माय लॉर्ड, ये जो सोलमन है ना, ये सोलमन ही खुद 99% शेयर होल्डर है, ये सोलमन ने ही खुद के फैमिली में बचे हुए 1% शेयर बांटे हुए हैं, और ये सोलमन ने ही कंपनी से 10,000 का डिबेंचर लिए, पर मैं प्योर क्रेडिटर हूं सोलमन एंड कंपनी की, मैंने 7,000 का लोन सोलमन कंपनी को दिया है। तो माय लॉर्ड, ये जो 6,000 पाउंड आ रहे हैं, ये जो 6,000 पाउंड आ रहे हैं, ये पूरे 6,000 पाउंड मुझे दिए जाए, ये सोलमन के 10,000 डिबेंचर के खिलाफ प्रोपोर्शन में ना बांटा जाए, मुझे ये 6,000 पाउंड पूरे चाहिए। दूसरे कटघरे में सोलमन बोलता है वाह 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 वाह, पूरे 6,000 पाउंड तुम्हें चाहिए, ये लो बाबा जी का ठुल्लू। जज बोलता है ऑर्डर ऑर्डर, कृपया करके खुद के जबान के ऊपर काबू रखे। सोलमन बोलता है माफ करना जज साहब, पर मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा, कंपनी के कैरेक्टर ने बाबा लिंडले, कंपनी के कैरेक्टर में बाबा लिंडले ने बोला है कि मैं अलग मेरी कंपनी अलग, मैं अलग मेरी कंपनी अलग, मैं एक पर्सन हूं ऐसे मेरी कंपनी भी पर्सन है, मैं पर्सन हूं ऐसे मेरी कंपनी भी एक खुद का आइडेंटिटी मेंटेन करती है। तो अगर मेरे कंपनी ने मुझे 10,000 पाउंड दिए हैं तो मैं कंपनी का क्रेडिटर हूं। जितना क्रेडिटर ये बैंक है माय लॉर्ड, उतना ही क्रेडिटर मैं हूं। जितना क्रेडिटर ये बैंक है, जितना लोन बैंक ने दिया है, उतना ही मैं हक रखता हूं मेरे 10,000 डिबेंचर्स का, क्योंकि कंपनी अलग पर्सन अलग। अब इस केस में डिसीजन आया, इस केस में डिसीजन आया कि सोलमन ने जो बोला है वो सही है, कंपनी का अपना वजूद है, केस में 2% नहीं 3% इन्वॉल्व है, कंपनी 1% है, सोलमन दूसरा पर्सन है और बैंक तीसरा पर्सन है। और डिसीजन ये दिया गया माय लॉर्ड, ये दिया गया कि 6,000 पाउंड में से सोलमन को 10,000 पाउंड का पोर्शन मिलेगा। कुछ कुछ केसेस में तो यह बोला है कि सोलमन इज अ प्रायोरिटी डेटर क्रेडिटर, तो उसको पूरे 6,000 पाउंड दे दिए जाए, कुछ फैक्ट्स में यह भी बोला है। पर मेरा कहना सिर्फ यह है कि कंसेप्ट इतना है कि सोलमन अलग कंपनी अलग, कंसेप्ट समझ में आ रहा है। और नीचे टोटल हम डिवाइड करेंगे 17,000 से, इधर बैंक को कितना मिलेगा? तो 6,000 पाउंड मल्टीप्लाइड बाय 7,000 पाउंड डिवाइडेड बाय 17,000 पाउंड, ये दोनों का प्रपोर्शन बनेगा, दोनों को पैसा इसी कदर मिलेगा। ये है सोलमन एंड सोलमन, सोलमन वर्सेस सोलमन एंड कंपनी वाला केस।
आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूँ? ये चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से ध्यान देना, अगर समझ में आया तो लाइक ठोकिए और नीचे कमेंट में बताइए कि आपको समझ में आया कि नहीं। ठीक है, गो फॉर इट फास्ट। हेलो हेलो, मैंने ऑलरेडी मंजीत ये एक्सप्लेन कर दिया है कि कुछ केसेस में फैक्ट में ये बोला है कि 6000 पूरा सॉलमन को दिया जाएगा एज अ सिक्योर डिबेंचर, पर ये फैक्ट डिस्टॉर्टेड है, आपको 10 जगह पे 10 फैक्ट मिलेंगे। मंजीत कंसेप्ट ये याद रखना है कि सॉलमन भी क्रेडिटर है, कंसेप्ट यह है सॉलमन अलग कंपनी अलग, ये कंसेप्ट आप बनाए रखिए, फिर आप जिस भी तरीके से देना चाहते हो उनको पैसे दे सकते हो। गुलाब गर्ग लेक्चर देखने आ गए, मेरा नाम ही नहीं पता। कोई नहीं, मेरा नाम है बेटा दर्शन खरे। मैं बहुत ही छोटा आदमी हूँ और मेरे को पढ़ाना बहुत पसंद है। चलो लिखना हो गया सबका, तो मुझे बताइए फटाफट। मैं फिर डिसीजंस दिखाता हूँ, वो भी लिखना है आपको। हाँ, एक्सप्लेनेशन भी दिखाऊंगा, डोंट वरी। ये लिखना हो गया सबका, लिखना हो गया तो बताइए जरा कमेंट्स में। लेक्चर ठीक से करते रहिए मोहित, एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन डे बाय डे आपको समझ में आएगा, ये 1 घंटे की बात नहीं है जिसके अंदर मैं आपको समझा दूँ। नहीं, पहले चार्ट ड्रॉ कर लो, एक्सप्लेनेशन क्या लिखना है आई विल टेल यू, डोंट वरी। मीत नालायक, छोटा ही आदमी हूं मैं, बीएमडब्ल्यू मेरे घर वालों की है। राइटिंग प्रैक्टिस क्लास के अंदर होगी, जब समय आएगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा बेटा, डोंट वरी। मोहित सरदन, मेरे मार्क्स लॉ में कितने आए थे? सीए इंटर के तो मेरे को पता नहीं, लेकिन सीए फाइनल में कुछ 68 मार्क्स थे नियरली। हालांकि मैं लॉ फर्स्ट टाइम फेल था मोहित, आपकी आपको समझने के लिए बता दूं, लॉ फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए फाइनल पे फेल था, ये मैंने सेकंड लेक्चर में ऑलरेडी बोल दिया आई गेस। नालायक लोग है सब, तनुजा नालायक,
गरीब आदमी हूं मैं, वो बंगलो भी मेरे घर वालों का है, मेरा नहीं है। मेरे को तो एक रूम दे दिया है बस रिकॉर्डिंग के लिए। बेटा ये आपको ऐसा नहीं लग रहा, आज बहुत सारे बच्चे बहुत बड़े बड़े सवाल पूछ रहे हैं कि सर हाउ टू बिकम अ प्रॉपर सीए, हाउ टू गेट अ एग्जम्पशन इन लॉ। अभी स्टेप वन भी नहीं लिया है अपन ने, मतलब आपके दिमाग में ये सवाल है तो बहुत अच्छी चीज है, बट अभी अपन ने स्टेप वन भी नहीं लिया है। आप सिर्फ फिलहाल पढ़ाई के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो, हाउ टू बिकम अ वेरी गुड चार्टर्ड अकाउंटेंट, या आप आर्टिकलशिप के ड्यूरेशन में सोचना। पूछिए, अच्छी बात है, नॉट अ डाउट, बट फिलहाल व्हाट इज योर क्वेश्चन कि मैं ठीक से कैसे पढ़ूं, मैं ठीक से मेहनत कैसे करूं। दिस शुड बी अप्रोप्रिएट क्वेश्चन। और जिनका ऐसा सवाल है कि मैं ठीक से मेहनत कैसे करूं, तो मैं हूं, चलते रहो लेक्चर्स के साथ साथ, यू विल कम टू नो, अपने आप मेहनत होती रहेगी। चैप्टर कैसे अपने आप याद हो गए, वैसे ही मेहनत अपने आप हो जाएगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो डन एवरीबॉडी। अब ये वाला सेपरेट लीगल एंटिटी के डिसीजंस है, ये मैं आपको बोलना चाहूंगा। देयर कैन बी, ये डिसीजन है केस का, ये मैं आपको बोलना चाहूंगा, अगर लिखना हो गया है तो, नहीं लिखना हुआ तो पिछला स्क्रीनशॉट आप पहले खींच के रखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड में हो जाता हूं। ठीक है, ले लिया। अब ये लिखना है, देयर कैन बी अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम अ मेंबर टू अ कंपनी और वाइस वर्सा, कंपनी से मेंबर को, मेंबर से कंपनी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो सकती है। जैसे सोलमन का बिजनेस सोलमन ने कंपनी को दिया। अ पर्सन कैन बी अ मेंबर, डायरेक्टर, एम्प्लॉय एंड क्रिएटर ऑफ द कंपनी एट सेम टाइम। अगर आप कंपनी के मेंबर हो तो आप डायरेक्टर भी हो सकते हो, एम्प्लॉय भी हो सकते हो, क्रिएटर भी हो सकते हो, इसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अ कंपनी हैज अ राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ इट्स ओन, कंपनी को खुद के राइट ड्यूटीज है, कंपनी का खुद का बैलेंस शीट है। अ कंपनी इज नॉट अ एजेंट ऑफ मेंबर और डायरेक्टर, कंपनी मेंबर और डायरेक्टर का एजेंट नहीं होता। ये चार डिसीजन है, ये चार एक्सप्लेनेशन है, ये भी आप उस केस स्टडी जो आपने डायग्राम ड्रॉ किया उसके नीचे लिख के रखिए। गो फॉर इट फास्ट। हो जाए तो बताना कमेंट करके। चलो डन एवरीबॉडी, आई होप सो हो गया होगा। सो यहां हमने पहला केस लॉ कंप्लीट कर लिया, सोलोमन वर्सेस सोलोमन एंड कंपनी। अब एक चीज मैं आपसे करवाना चाहूंगा, एक चीज नहीं, अभी दो चीजें मेरे को आपसे करवानी है। ठीक है, अगला आधा एक घंटा इसी के अंदर जाएगा, इसलिए बड़े अच्छे से ध्यान देना। एक घंटा नहीं लगे, टेंशन मत लो जिंदगी में। सर और एक घंटा पढ़ाओगे क्या जिंदगी में, फिर हमारा क्या होगा? टेंशन ना लो, पर आपको एक चीज करनी है, आ जाइए मैं आपको समझाता हूं कैसे। पहली बात तो ये कि तू टिकटॉक नहीं, टिकटॉक टिकटॉक चलती है नहीं, आई एम वेरी सॉरी। पहली बात तो ये, तू टिकटॉक टिकटॉक नहीं चलती है। पहली बात तो ये कि भैया आपको सीए इंटर लेवल पे ना, सीए इंटर लेवल पे
बहुत सारे केस लॉज आते हैं। अब सवाल उठता है इन केस लॉज को, बहुत सारे मतलब बहुत सारे केस लॉज है जो आपको पढ़ने पड़ेंगे, इन केस लॉज को रीडिंग कैसे किया जाता है, और दूसरी बात ये कि इनको रिमेंबर कैसे करें। ये दो सबसे बड़े सवाल है। ठीक है, कमेंट्स ना करना, 2 मिनट के लिए ध्यान देना, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूं, थोड़ा बैठ के बोलूंगा बिकॉज थोड़ी फुर्सत वाली चीज है। ठीक है, थोड़ा बैठ के बोलूंगा, आ जाइए, थोड़ी फुर्सत वाली चीज है, बड़े अच्छे से ध्यान देना। सबसे पहले तो रीड करना, मैंने यहां पे आपको एक केस लॉ दिखाया, मैंने यहां पे आपको एक केस लॉ का नाम दिखाया, और केस लॉ का नाम जैसे आप यहां देख सकते हो जो है सोलोमन वर्सेस सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड, ये केस लॉ का नाम है। कई बार ऐसे केस लॉ के आगे ना कई सारी चीजें लिखी होती है, कई सारी चीजें, जैसे अभी एग्जैक्टली ऐसी चीज नहीं है बट मैं लिख रहा हूं आपको समझने के लिए, सोलोमन एंड सोलोमन कंपनी के बाद ऐसा कुछ लिखा होगा, बॉम 20 23 LJ 50, ऐसा कुछ लिखा हो सकता है। आप कितने भी केस लॉज देख लो, कुछ केसेस के सामने आपको ये दिखेगा मेंशन किया हुआ कि भैया बॉम 20 21 23 LJ 50, ऐसा कुछ, या कुछ और भी हो सकते हैं। क्या होता है ये, किसी को पता है क्या होता है ये? जब भी आप केस लॉ पढ़ते हो तो केस लॉ के अंदर इस पर्सन को क्या कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, ये दोनों को मिलके क्या कहा जाता है, ये बॉम 20 21 23, ये आपको कोई नहीं बोलने वाला, ये सब फाइनल पे बोलते हैं, अपन इंटर पे ही बोलना शुरू कर रहे हैं क्योंकि जाना तो फाइनल पे ही है। कोई आप में से ऐसा है जिसको फाइनल पे नहीं जाना है? जाना है तो अभी से प्रिपेयर करना शुरू करो, केस पढ़े हो, केस हाथ में आया है तो अभी से बनता है पढ़ना, कैसे पढ़ना चाहिए। तो ये क्या है, ये क्या है? चलो ये छोड़ो, अपन एक आर्टिफिशियल केस बनाते हैं अपनी सहूलियत के लिए, कि अपने को अच्छे से समझे इसलिए अपन अपना केस बनाते हैं। ठीक है, समझो केस हुआ एक्स, तुम्हारी एक्स या तुम्हारा एक्स, एक्स वर्सेस यू, ला 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 ला, कितना खुशनुमा, कितना प्यारा सा माहौल होगा ना जब ऐसा कोई केस होगा, तुम्हारी एक्स वर्सेस यू। ठीक है, अभी आपकी एक्स हुई नहीं होगी, पर खुदा करे कि आपकी नहीं, ऐसी कोई इच्छा नहीं है मेरी कि आपकी एक्स हो, एक ही पटाओ लाइफ टाइम के लिए पटाओ, ये इच्छा है, पर कभी अगर हो गया तो कितना खुशनुमा माहौल होगा कि एक्स वर्सेस यू। उसके बाद में समझो ऐसा लिखा गया कि भैया बॉम्ब, या उसके बाद में समझो ऐसा लिखा गया कि ये कांड कब हुआ, ये केस का कांड कब हुआ, तो हमारे पास तो एक बहुत ही खतरनाक वाला साल है ना हमेशा के लिए 2020, ये साल नहीं 2020 को गाली डिक्लेयर कर देना चाहिए, मतलब किसी को साले कमीने कुत्ते 2020 बोल दिया तो उसको बुरा लग जाना चाहिए, इतना खतरनाक साल था ये, बोलो हाँ है ना। फिर लिखा है कि ये बॉम्ब फूटा, बॉम्ब, फिर उसके बाद लिखा 143, 143 पता है ना, 143, हाँ 143, दिल में लड्डू फूटा 143, और फिर लिखा है LJ, और फिर लिखा है क्या, एक और एक दो 11, एक और एक तीन मत बोलना नालायक बच्चों कमीनो, एक और एक दो। तो समझो अगर ऐसा कोई केस लिखा है, ऐसा कोई केस लिखा है तो आपको मतलब इसको पढ़ते कैसे है, क्या होता है ये? एक इस टाइप का केस होता है, एक तो सिंगल नाम वाला भी केस होता है, सिंगल नाम भी होता है किसी केसेस में, दिन शाह मानिक जी पेतीत, एक ही नाम, बात खत्म। तो उस केस को कैसे पढ़ते, क्या होता है ये, एनी कैन टेल मी के जो मैंने लिखा है ये क्या है? कुछ लोग आंसर दे रहे हैं बॉम्बे कोर्ट का 123rd केस लॉ है, 123rd केस ऑफ द ईयर है, चलो अच्छा है, कुछ हद तक के पहुंच रहे, किसी को पता है कि ये क्या है? एनीवन कैन आंसर मी, फटाफट फटाफट। ओके चलो आ जाओ, अब मैं इसको आपको समझाता हूं कि इनका मतलब क्या होता है, लेट्स गो। किसी ने आपको बताया नहीं होगा बट लेट्स अंडरस्टैंड हाउ टू रीड द केस लॉ, केस लॉ कैसे रीड किया जाता है। अब पहला पर्सन जो होता है, जो नाम पहले आता है, उस पर्सन को कहा जाता है
कलर चेंज करता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि कैसे आपका और आपके एक्स का रिलेशन है, थोड़े कलर तो चेंज होनी चाहिए ना लाइफ में। सो पहला पर्सन जो होता है, कलर चेंज ही नहीं हुआ, देखो मतलब लाइफ भी कितनी बुरी है, कलर भी चेंज करने को रेडी नहीं है तुम और तुम्हारे एक्स के केस में। पहला पर्सन जो होता है, जो केस करता है, उसे कहा जाता है पिटिशनर। पिटिशनर, जिसने पिटिशन किया कि भैया इस बंदे ने मेरे को धोखा दिया है, इस बंदे ने मेरे को धोखा दिया है, ठीक है, मुझे छोड़कर जो तुम जाओगे बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे, ठीक है, ये लड़की की तरफ से, और लड़की की तरफ से ठुकरा के मेरा प्यार, मेरा इंतकाम देखेगी, बोलो हाँ या ना। सो एक्स इज अ पिटिशनर, जिसने आपके ऊपर केस किया है, मुझे छोड़कर जो तुम जाओगे या ठुकरा के मेरा प्यार, कौन ठुकरा है, तुमने ठुकराया, ठीक है, तो तुम हो गए डिफेंडेंट, तुम्हारा एक्स तुम्हारे ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है, तुम डिफेंड किए जा रहे हो कि मैंने प्यार नहीं ठुकराया, मैं बेवफा नहीं हूं, तो तुम्हारा एक्स तुम्हारे ऊपर पिटीशन किया जा रहा है, तुम डिफेंडेंट हो। तुम दोनों को मिलके बोला जाता है कपल नहीं नालायक, कपल नहीं बोला जाता है, कपल बोले, कपल नहीं बोला जाता है, तुम दोनों को मिलकर बोला जाता है प्लेंटिफ्स, प्लेंटिफ, ठीक है, प्लेंटिफ्स मतलब दोनों मिलकर प्लेंटिफ, इंडिविजुअली पिटिशनर डिफेंडेंट। अब वर्सेस का मीनिंग मेरे से मत पूछना, बहुत मार खाओगे जिंदगी के अंदर, वर्सेस का कोई मीनिंग नहीं होता लाइफ में, ठीक है, तो वर्सेस इज वर्सेस, ठीक है, जैसे आप वर्सेस आपका एक्स या उसका एक्स वर्सेस उसका वाई, कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको, हाँ ना, ये है पिटिशनर डिफेंडेंट। फिर ये 2020 जो लिखा है ना, 2020 ये है ईयर ऑफ डिसीजन। बहुत सारे बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होता है, देखो पेन के कलर भी चेंज नहीं हो रहे लाइफ के अंदर, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है 2020 ये जिस साल केस किया गया उसका ईयर है, या 2020 जिस साल डिसीजन आया उसका ईयर है, तो 2020 इज अ ईयर ऑफ डिसीजन, जिस साल डिसीजन आया उसका ईयर ये होता है, जिस साल कोर्ट ने डिसीजन दिया इस केस के खिलाफ, तुम्हारा एक्स और तुम्हारे वाई का केस 4 साल से चल रहा था, 2016 से 2020 में कोर्ट ने डिसीजन दिया कि बोले ये कुछ चल नहीं रहा, इसको मिटाओ पहले, दिस इज ईयर ऑफ डिसीजन। फिर बॉम्ब, बॉम्ब मतलब तुम्हारा एक्स बॉम्ब था, नालायक, अच्छा सोचो जिंदगी में, तुम्हारा एक्स बॉम्ब था ये नहीं होता है, बॉम्ब का मतलब होता है, बड़े अच्छे तरीके से ध्यान देना, बॉम्ब, ऐसे आपको बहुत सारे वर्ड दिखेंगे बॉम्ब जैसे, बॉम्ब इज अ वर्ड, इट इज अ मल्टी टैलेंटेड वर्ड। कलर ही चेंज नहीं हो रहे लाइफ में, मतलब मैं करूं क्या, मतलब ये लैपटॉप पी के बैठा है, नशा करके बैठा है, क्या करके बैठा, क्या है ये लैपटॉप, हाँ हुआ। सो बॉम्ब के बड़े मतलब होते हैं, पर यहां बॉम्ब का मतलब है बच्चों बॉम्बे हाई कोर्ट। ऐसे बहुत सारे हाई कोर्ट होते हैं, जैसे गुजरात हाई कोर्ट, जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट, और कुछ केस में लिखा होता है एससी, एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट। मैंने आपको ऑलरेडी बोला है इंडिया में 24 हाई कोर्ट है, 37 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटोरीज के लिए 24 हाई कोर्ट्स है, और इंडिया में सिर्फ एक सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट एक ही होता है नालायक, और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर किसी को अपील नहीं होती, भगवान से नहीं मिलना है, सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट अथॉरिटी, ठीक है। फिर उसके बाद में ये जो पूरी चीज है, उसके बाद ये जो पूरी चीज है, इसको कहा जाता है केस का साइटेशन, केस का साइटेशन। अब ये कैसे पढ़ा जाता है, तो एल जे इज अ नेम ऑफ बुक, एल जे इज अ नेम ऑफ बुक। नॉर्मली आपने देखा होगा कि कोर्ट में जब जज बैठा रहता है, तो जज के सामने एक बंदा बैठा रहता है एक टाइपराइटर लेके, कंप्यूटर लेके, कि जो भी बोला जाता है उस कोर्ट में, जो भी डिस्कशन होते हैं, बंदा टाइप करते रहता है, जैसे जज ने बोला ऑर्डर ऑर्डर, इमीडिएटली टाइप करेगा ऑर्डर ऑर्डर, जैसे किसी वकील ने बोला किसी को कि भैया ये बंदा गलत है इसको फांसी की सजा, ये टाइप करेगा, जैसे मुजरिम ने अगर वकील को गाली दे दी, अबे तेरा एक्स का वाई, तेरे एक्स का वाई, वेयर एक्स इज अ रिलेटिव, वाई इज अ बॉडी पार्ट, ठीक है, ना ना ना, वेरी वेरी बैड, वेरी बैड, छी 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 छी। सो अगर अगर ये बोला गया कि गालियां दे दी, कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको, हाँ है ना, अगर मुजरिम ने गालियां दे दी वकील को, तो ऐसे सिचुएशन में, ऐसे सिचुएशन में जो वो कंप्यूटर पे बैठा हुआ पर्सन लिखता है, वो पर्सन जो लिखता है उसे कहते हैं जर्नल, केस लॉ जर्नल, जैसे आपके केस में आप इसको बोल सकते हो लव जर्नल, बिकॉज आपका, या फिर ब्रेकअप जर्नल भी इसको बोल सकते हो, आपकी मर्जी, क्योंकि आपका तो ब्रेकअप हुआ जिंदगी के अंदर, सो इसको लव जर्नल बोला जाएगा। कंपनी के केसेस में, लव जर्नल वगैरह छोड़ो, कंपनी के केसेस में इसको कहा जाता है लॉ जर्नल, मतलब कंपनी लॉ के लिए, अब ये मिटेगा भी नहीं, ये नशे करके बैठा है मेरा लैपटॉप, मैं आपको बता रहा हूं, मैंने इसको फेंक देना है एक हद दिन, पर मैं फेंक नहीं सकता क्योंकि आपसे प्यार है, आपसे प्यार है, इसलिए लॉ जर्नल, चेंज हो जा नालायक, चेंज हो जा, बच्चे देख रहे, इज्जत का भाजीपाला ना कर मेरे, ठीक है। सो इसको लॉ जर्नल, ये लॉ लिखा है मैंने, ठीक है, सो इट इज अ लॉ जर्नल। ऐसे ही एक और जर्नल होते हैं, जैसे कॉमकैस,
ठीक है, कंपनीज केस लॉ जर्नल, आईटीआर, इनकम टैक्स में आईटीआर यूज होगा, इनकम टैक्स रेकनर या इनकम टैक्स रेफरेंसर फॉर केस लॉज। अब ये है बुक, 2020 में एक बुक बनी है लॉ जर्नल करके, उसके 11वें नंबर के बुक में, आप कभी किसी लॉयर के ऑफिस में जाओ ना तो आपको एक ही कलर की बहुत सारी बुक्स दिखेगी, लॉयर के ऑफिस में एक ही कलर की ऐसी बुक्स लगी रहेगी, नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री, नंबर फोर, ऐसा लिखते हुए। तो उसमें 11वें नंबर की बुक कि भाई 2020 में जितने लॉ जर्नल बने उसमें 11वें नंबर के बुक में पेज नंबर 143 के ऊपर, पेज नंबर 143 के ऊपर 11वें नंबर के बुक में, नंबर ऑफ बुक में आपको पेज नंबर 143 के ऊपर इस केस के पूरे फैक्ट्स मिलेंगे जो कोर्ट में बैठ के वो चूहे ने टाइप किए हैं। इस पूरे चीज को यहां से ईयर से लेके 11 तक के पूरे चीज को कहा जाता है साइटेशन। हमें को साइटेशन का स्पेलिंग याद नहीं आ रहा, जो भी ऐसा है साइटेशन, ठीक है। सो इसको कहा जाता है साइटेशन, मेरा स्पेलिंग ऐसा ही है, ठीक है। मैं क्या कुछ कर नहीं सकता यार, स्पेलिंग का बहुत दिक्कत है मेरे को, प्लीज माफ कर देना। मैं सीए बन गया तो मैंने सीए की पढ़ाई के मतलब सीए की पढ़ाई तो कर रहा था, एक महीना पहले से मैंने स्पेलिंग याद करना शुरू किया। मेरे को बहुत, मैं वो तारे जमीन पर वाला दार्शिल सफारी जैसा, वो ऐसा समझ लो आप, तो मेरे को स्पेलिंग याद नहीं होता, लॉजिक ही समझ में नहीं आता। तो इस पूरी चीज को कहा जाता है साइटेशन, कंसेप्ट समझ में। ऐसे केस लॉ रीड करते हैं, दिस इज अ वे यू शुड रीड द केस लॉ। सर हमको क्या ये पूरा का पूरा याद करना है, पूरा का पूरा ना, आपको क्या याद करना है, आपको याद करना है सिर्फ ये, बस ये याद करना है। इसके ऊपर भी अगर आपकी कुछ श्रद्धा बनती है, आशा बनती है, अपेक्षा बनती है, श्रद्धा बनती है, तो आप साथ में ईयर, ईयर और कोर्ट, ईयर एंड कोर्ट अगर आप इसके साथ में याद कर सकते हो तो भैया गंगा नहा लिया, इससे ज्यादा भगवान भी आपसे एक्सपेक्ट नहीं करता। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना, ये ऑप्शनल है ईयर और कोर्ट, बट पेटिशनर वर्सेस डिफेंडेंट आपको याद होना चाहिए। अगर समझ में आया लाइक ठोकिए, कमेंट में बताइए कि सर समझ में आया है, तो ये चीज को आप लिख सकते हो। साइटेशन देखो, स्पेलिंग मेरे को बोला अनुजा ने, एकदम सही लिखा मैंने, साइटेशन सी आई टी ए टी आई ओ एन, एकदम सही स्पेलिंग लिखा है, याद रखना, ठीक है। कोई बोलेगा नहीं दर्शन सर ने गलत स्पेलिंग लिखा, और इसका वीडियो निकाल के इंस्टाग्राम पे तो कोई डालेगा नहीं, मैं याद रखना, मैं मारूंगा दिस साइटेशन, ये साइटेशन मैंने लिखा है, याद रखना, ठीक है। चलो जिसने टैग किया बहुत मार खाएगा, याद रखना, गो फॉर इट फास्ट। सो गए क्या सब लोग? कोई कमेंट ही नहीं कर रहा है जिंदगी में? जो केस करता है तनुजा वो पिटिशनर है, जैसे एक्स ने आपके ऊपर केस किया, एक्स से पिटिशनर, और आप उसके खिलाफ जवाब दे रहे हो तो यू आर डिफेंडेंट। नालायक दिशिता, अभी मैं क्या करूं, मेरे को स्पेलिंग याद नहीं रहता तो। मैंने कमेंट सेक्शन में मेरे चैनल का लिंक डाला है, उसे भी सब्सक्राइब करके रखिए। कल पावर कट था हर्ष बेटा, दैट्स व्हाई नहीं था, मैंने वीडियो डाला भी तो था।
सुप्रीम कोर्ट में अपील होता है बेटा केस का। लिखना होने के बाद बताना प्लीज बच्चों। हो गया सबका? चलो बहुत बढ़िया, आई होप सो सबका लिखना हो गया होगा। इस तरीके से केस को बच्चों रीड करते हैं। अब सवाल उठता है, सर केस को रीड तो कर लिया, याद कैसे करें? सर ये कैसे होगा जिंदगी में? इसमें भी थोड़ी कुछ मदद कर दो सर, प्लीज हेल्प कर दो सर, हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए हेल्प कर दो सर, हमारी बीवी के लिए हेल्प कर दो सर, हमारी पुश्तों के लिए हेल्प कर दो सर। एक कंसेप्ट पढ़ा दोगे आप तो हमारी पुश्तों में हेल्प हो जाएगी, होगी ना? पुश्तों में आप कमाओगे तो आपके पुश्तों में भी काम में आएगा, बराबर है? बोलो हाँ है ना? बीवी बच्चों को भी काम में आएगा। तो सुनना, अभी ना अपन एक टेबल बनाएंगे, जैसे हम कहेंगे केस लॉ टेबल, केस लॉ टेबल, और पूरे लॉ में हम जितने केसेस पढ़ेंगे इस टेबल में हम लिखेंगे। अच्छा ये टेबल कहां बनाना है? एंड ऑफ बुक में। एंड ऑफ बुक में ना, एंड ऑफ बुक याद है? एंड ऑफ बुक आपका रजिस्टर का एंड, जहां पे आप सिग्नेचर ट्राई करते हो कि सीए बनने के बाद ना मैं ऐसी साइन मारूंगा और हर एक साइन का ना मैं लाख लाख रुपए लूंगा, 100 साइन मारूंगा, 1 करोड़ लूंगा, 1000 साइन मारूंगा, 10 करोड़ लूंगा, 10,000 साइन मारूंगा, 100 करोड़ लूंगा। बोलो हाँ है ना? ये तो ख्वाब है ना अपने कि साइन ऐसे ही मारूंगा, वहां फिर मैं आर्टिस्टिक डिजाइन टीचर बहुत बोर कर रहा है तो वहां मैं मस्त चित्रकला करूंगा। वही एरिया लास्ट वाला, उसको बर्बाद ना करना, वहां पे हमको एक टेबल ड्रॉ करना है, ठीक है? जिस टेबल में पहला कॉलम आएगा सीरियल नंबर, ठीक है, फिर उसके बाद में नेम ऑफ केस लॉ, ये कॉलम थोड़ा बड़ा रहेगा, मैं आपको प्रोपोर्शन बोलूंगा, एकदम ड्रॉ करने में मत लग जाना। नेम ऑफ केस लॉ भी बड़ा नहीं रहेगा, आई एम वेरी सॉरी, वेरी सॉरी, अभी मिटता ही नहीं है लाइफ में, क्या करूं। नेम ऑफ केस लॉ टेबल थोड़ा छोटा बनाना, मैं इसको मिटा दू, यहां लिख के रखू, नेम ऑफ केस लॉ छोटा सा। फिर इसके बाद में केस लॉ का डिसीजन, यहां मैं डिसीजन लिख रहा हूं, इसको काट दू। केस लॉ का जो डिसीजन है ना, ये कॉलम थोड़ा बड़ा रखना। और फिर केस लॉ किस कंसेप्ट के ऊपर है या उसका कोई मेमोरी टेक्निक है क्या, अब इसको किस प्रपोर्शन में बनाना है साइज, तो इफ दिस इज 1, नेम ऑफ द केस लॉ इज 3, डिसीजन इज 5, एंड मेमोरी टेक्निक और कंसेप्ट यू कैन से 2। इस साइज में आपने बनाया है, 1:3:5:2 के प्रपोर्शन में आपने इसको डिवाइड करके बनाना है। थोड़ा इधर उधर हुआ चलेगा, एकदम स्केल पट्टी लेके मत बैठ जाना, मतलब स्केल लेके बैठो ड्रॉ करने के लिए, अच्छी बात है, लाइन हमेशा सीधी मारनी चाहिए और स्केल से हमेशा लाइन सीधी मारी जाती है। अच्छा सोचो नालायक को, लाइन हमेशा सीधी मारनी है मतलब स्केल से मारनी है, और इस प्रपोर्शन में आप पहले एक टेबल ड्रॉ कर लो लास्ट के पेजेस में, ठीक है? लास्ट के 5 पेजेस उठा लो, उसके अंदर ये टेबल पहले ड्रॉ कर लो, गो फॉर इट फास्ट, एक ही पेज पर ड्रॉ करना, बाद में बचवे करेंगे। रूल्स हम प्रीवियस इसमें भी करवाए थे और केस लॉज भी हमने प्रीवियस लेक्चर्स में करवाए थे बेटा शुभम, ठीक है? ये चीज़ को आपने याद रखना, लेकिन रूल्स ऐसे मैंने डिक्टेट करके नहीं किए थे कि रूल पढ़ा रहा हूँ, पर रूल भी हमने पढ़ाए थे लास्ट लेक्चर्स में शुभम,
तो यहाँ पे हम वापस से रूल पढ़ेंगे, इस बार सिर्फ नंबर बोलूंगा। और केस लॉ तो हमने लास्ट लेक्चर में कई सारे किए थे, आपके बुक में भी होंगे, रजिस्टर खोल के देखिए जरा। श्योर, डन। हो गया सबका? ड्रॉ कर लिया सबने? हो जाए तो मुझे बोलना, फिर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको लिखना है। सॉन्ग नहीं बेटा, सॉन्ग गाऊंगा पर पहले काम। लाइट अप, यहां पे लड़कियों का हाय हेलो ना करो जिंदगी में, पढ़ाई के लिए बैठे अपन यहां पे, यहीं पे हेलो शुरू कर दिया लाइट अप ने, नालायक। चलो डन एवरीबॉडी। नहीं बेटा, पूरा बेयर एक्ट याद होना जरूरी नहीं है। यहाँ हेलो मत करो रे, पढ़ाई कर रहे हैं अपन जिंदगी में, कुछ तो रखो शर्म जिंदगी में, टीचर है सामने तुम्हारे। लेट्स गो, भले ही मैं बातें थोड़ी एंटरटेनमेंट वाली करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि यहीं पे शुरू हो जाओ तुम लाइफ में, ठीक है? लेट्स गो। अब इसको किस तरीके से लिखना है तो लेट्स गो, मैं स्टार्ट करता हूँ। कॉन्सेंट्रेट करना है, डबल ट्रिपल, ठीक है? लाइट अप हो गया आई गेस, ठीक है? लाइट अप, आई एम वेरी सॉरी, मेरे को बोलना पड़ा, पर आपने लिखा भी तो सही बेटा, मैं क्या करूँ, ठीक है? सो सीरियल नंबर थोड़ा सोच के, अपन क्या, अपन सीए प्रोफेशन वाले, जिंदगी में सिंगल रहना अगले 5 साल, ठीक है? और सिंगल ही रहना, याद रखना, अगर सीए जल्दी बनना है तो एक तो सिंगल रहना, या ऐसा या ऐसी वाली ढूंढो जो तुम्हारे साथ मिलके रैंक लाए, ठीक है? ये चीज को याद रखना, मैं इसका एक किस्सा भी बताऊंगा आपको बाद में, फिलहाल अपन का ध्यान देते हैं पढ़ाई पे। सीरियल नंबर वन, केस लॉ के नाम के अंदर मैं लिखूंगा यहां पे सोलोमन वर्सेस सोलोमन। सोलोमन एंड कंपनी, यह हालांकि आपका कॉलम थोड़ा सा छोटा होगा, सो डरने की जरूरत नहीं, आप छोटे कॉलम में भी इसको लिख सकते हो, ठीक है? नेम के बाद में आएगा डिसीजन, ठीक है? अब डिसीजन ने आपने वही डिसीजन लिखना है जो आपने डायग्राम के बाद में कॉपी किया था, अगर आपको याद होगा तो। मैंने आपको पीपीटी में डायग्राम के बाद में एक डिसीजन कॉपी करवाया था ना, आई विल जस्ट अगेन शो यू, अगर आप लिखना चाहो तो। ये वाला डिसीजन आपने वहां पे वापस लिखना है जो मैं यहां पे दिखा रहा हूं, ठीक है? तो दिस विल हेल्प यू कि पॉइंट वाइज लिखना है 1 2 3 4, और वैसे भी हमने वो कॉलम थोड़ा बड़ा रखा है तो उसके अंदर आ जाना चाहिए, ठीक है? तो इस डिसीजन को फटाफट वहां पे राइट अप करना है आपको, बाद में मैं कंसेप्ट बोलूंगा, ठीक है? गो फॉर इट फर्स्ट, ये डिसीजन को सेम जगह पे लिख के रखो। बेयर एक्ट का मतलब होता है पार्लियामेंट में जिस लैंग्वेज में लॉ पास होता है उस बुक को कहा जाता है बेयर एक्ट, जो लॉ का ड्राफ्ट बनता है उसको बेयर एक्ट बोला जाता है बेटा। मीत, चलो डन। चलो डन हो गया बच्चों, लिखना हो गया? हो गया तो डन करके बताइए कमेंट्स के अंदर। शॉर्ट फॉर्म में नहीं बेटा, इसको प्रॉपर टेक्स्ट में ही लिखिए, बिकॉज जब आप अंशुल इसको रिवाइज करोगे ना तो आपको वर्ड्स मिलने चाहिए,
क्योंकि शॉर्ट फॉर्म में रिवाइज तो कर लोगे, एग्जाम में तो पूरा लॉन्ग फॉर्म ही लिखना है। सो यू हैव टू डू इट प्रॉपरली। जगह लग गई लगने दो, कोई दिक्कत नहीं है, पर इसको लिखो प्रॉपरली। चलो डन एवरीबडी, हो गया सबका। सो आई होप हो गया होगा। सो यहां पे आपने डिसीजन लिख लिया है, क्लियर है कंसेप्ट सबको? हाँ है ना? ये चीज को बड़े अच्छे लेवल पे याद रखना। तो हमारा टेबल बन गया बच्चों, टेबल वन नोट बंद हो गया था क्या? ठीक है, तो हमारा टेबल बन गया बच्चों, और इस टेबल के अंदर ही इसके बाद जितने भी केस लॉज होंगे इसी टेबल के अंदर हमने कोट करने हैं। ठीक है, ये चीज को याद रखना। समय क्या हुआ है? ओके, सो पौने 12 हुआ है आई गेस। आज हम इसी केस के साथ में यहाँ पे रुक जाते हैं। ठीक है, नियरली अपना समय अप हो चुका है, अगले लेक्चर के बीच में 10-15 मिनट का गैप रहना चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पे हम रुक जाते हैं, खाना पीना खा लीजिए, अगले लेक्चर के लिए रेडी हो जाइए। दिस इज दर्शन खरे साइनिंग आउट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। अच्छा लगा प्लीज लाइक कीजिए, नीचे कमेंट में बोलिए। गुड डे, गॉड ब्लेस यू। बचे हुए केस लॉज हम कल देखेंगे। गो फॉर इट फास्ट। अच्छा सॉरी सॉरी, कंसेप्ट में क्या लिखना रह गया? मेरी मेरी वेरी सॉरी, मैं भूल गया, वेरी सॉरी वेरी सॉरी वेरी सॉरी वेरी सॉरी। कंसेप्ट में आपने लिखना कंसेप्ट ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी। आई एम वेरी सॉरी, कंसेप्ट में लिखना कंसेप्ट ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी, कंसेप्ट ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी, कंसेप्ट में लिखना सेपरेट लीगल एंटिटी, एंड लिखना सोलोमन इज अ सेपरेट पर्सन फ्रॉम कंपनी। कंसेप्ट में लिखना सेपरेट लीगल एंटिटी एंड सोलोमन इज सेपरेट पर्सन फ्रॉम कंपनी, बस ये लिखना है। ठीक है, अब जाऊं मैं। ठीक है, चलेगा। टाटा, बाय बाय, गुड डे, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, शुक्रिया, आता मर्जी।